हीरा लाल पन्ना लाल। कहानी है एक नहीं बल्कि दो जुड़वाओं की। इन चार चरित्रों के आपस में न मिलने तक के खट्टे मीठे अनुभवों को संवार कर मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्म बनाई है। तो पेश है सीन नंबर एक, कमिश्नर सरभेरे। हवलदार चौरसिया। यस सर। एक खतरनाक मुजरिम नटवर जेल से भाग गया, क्या फायदा इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर खींच कर उसे बोर्ड पे लगाने का। हम इसे अंदर करते हैं और चूहे की तरह बाहर आ जाता है। सर क्या बताऊं, ये नटवर लाल कुत्ते की तरह भागता है, कुत्ते की तरह जबान बाहर निकाल के। है, 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 ये जुबान निकाल के बाहर भागे या जुबान अंदर रख के, लेकिन भागा कैसे? सर उसने इन हवलदारों से कहा कि मैं तुमको जादू दिखाता हूं, जादू। फिर उसने कहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, फिर भी मैं तुमको अंदर नजर आऊंगा, और इन लोगों ने शर्त मान ली। तो फिर उसने इन सबको अंदर किया, बाहर से ताला मारा, उसमें चुंगम लगा दी ताकि ताला खुले नहीं, और वो 9-2-11 हो गया। अब ये डिपार्टमेंट वाले हम पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हमें चार्जशीट भी किया जा सकता है। चौरसिया तुम समझते क्यों नहीं हो? सर आप फिक्र क्यों करते हैं, हमारे पास हीरा लाल पन्ना लाल है ना, हमारी वो दो चवन्नियां जो अब अठन्निया बन गई हैं और कल रुपया बनकर दिखाएंगी। दिन रात ही सपना देखते हैं कि आप और हम यानी बड़े बाबा और छोटे बाबा का नाम कैसे रोशन हो। सर आप देखना, एक दिन उस नेटवर लाल को हमारे हीरा लाल पन्ना लाल पकड़ के लाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये अठन्निया जो रुपया बनने वाली है का? पन्ना लाल। बोल हीरा लाल। हम दोनों को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसे हमारा नाम हो, पब्लिक सिटी हो। रिश्वत खाना शुरू करते हैं। अबे चुप, ये सब काम अभी सब छोटे मोटे लल्लू पंजू करते हैं। तो सुपरमार्केट लूट लें क्या? सुपरमार्केट लूट लेंगे, दूसरे दिन फ्रंट पेज पे हम, टीवी चैनलों पे हम, बीबीसी लंदन में हम, चारों तरफ हम ही हम। और कमिश्नर बाबा इतने जूते मारेंगे कि निकल जाएगा दम दम दम। तो आइडिया कैंसिल। हाँ। तो तू ही भाई फेमस होने का कोई आइडिया निकाल। पिस्तौल निकाल। पिस्तौल? हवा में फायर कर। हवा से कोई हमारी दुश्मनी है? पागल हो गया? सुबह सुबह बाबा ने नहीं बताया कि नटवर नाम का कोई कैदी फरार हो गया? तो क्या वो हवा में छुपा होगा? नटवर को कौन पकड़ रहा है? हम यूं ही गोली चलाएंगे। नटवर खबरदार, रुक जा, वही रुक जा, वरना गोली मार देंगे। बस भगम तोड़ मच जाएगी, ड्रामा फिट। इसके बाद हम दोनों न्यूज में आ जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा कि इंस्पेक्टर हीरालाल पन्ना लाल ने अपनी जान पर खेलकर नटवर को पकड़ने के लिए 6-6 हवाई फायर किए। पुलिस, नटवर भाग ले। खबरदार, भागने की कोशिश की तो गोली कहीं भी ले सकती है। बस गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना, अगर गोली चली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ये क्यों भागा? कहिए नटवर तो नहीं? अंधेरे में तीर लग गया क्या? पकड़ साले को। पकड़ 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 पकड़। तो इस गोली की पुलिस के आगे भाग भी गोली में कर, वरना जब करोगे तो पुलिस की जान जाने। ये इससे पहले कि मैं जब करूं, रुक जा। साले टकले। अरे यार कितना फास्ट भागता है यार। पिछले जन्म में कुत्ता था क्या तू? नहीं रे भाई। अबे चुप। वी आर पुलिस, यू आर मुजरिम, अरेस्ट हिम। यस यस। हीरा हीरा, मैं उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं, मैं हथकड़ी लाना भूल गया। ओह नो। क्या नो? काथे की रस्सी से बांध इसको। काछे की रस्सी से एमटीआर नटवर लाल की गिरफ्तारी। ओह नो, दुनिया क्या कहेगी? क्या पुलिस इतनी कड़की हो गई है कि उनके पास अदद एक हथकड़ी नहीं है मुझे गिरफ्तार करने को? हाँ, यू आर राइट सर। नटवर भाई आप ही बताओ हम लोग क्या करें। अब आपको गिरफ्तार तो करना है, कुछ आइडिया आप ही दीजिए ना। हाँ, प्रॉब्लम एक हथकड़ी की है। हाँ, यस यस सर। अपन एक काम करता है, अपन पुलिस स्टेशन जाता है। यस सर। वहां से एक हथकड़ी लेकर आता है। यस सर। वो हथकड़ी हम आप लोगों को देता है। यस सर। आप लोग अपन को गिरफ्तार करो और सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ।
आइडिया में दबे थैंक यू वेरी मच सर। कमिश्नर बाबा सही बोलते थे ना कि चोर लोग बहुत अकलमंद होते हैं। गॉड गिफ्ट इनको। अच्छा भाई तो अब मैं चलूं। क्या हुआ? तुम अपन को क्या समझता है? हमारे पास कोई अक्ल नहीं है ना? तुम अकेला पुलिस स्टेशन जाएगा हथकड़ी लाने और वहां से 9-2-11 हो जाएगा। मतलब हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं? तुम यहाँ ठहरो, पुलिस स्टेशन हम जाएंगे हथकड़ी लाने के लिए। भागने की सोच रहा था। मैडमैन हम यूं गए यूं आए, यहां से हिलना मत। भाई जरा जल्दी आना, यहाँ धूप बहुत है। घबरा मत, छाता लाते हैं। कमान फ्रेंड्स, समान ही ये। इतने बेवकूफ भागने। हीरा लाल पन्ना लाल है? यस सर। मैंने सुना तुम्हें जेल से भागे हुए नटवर को पकड़ लिया। यस सर। गुड सर, मैंने कहा था ना ये मेरी दोनों चवन्निया एक न एक दिन रुपया जरूर बनेंगी। yes, सर साहब मैं क्या बताऊं, ये दोनों मुझे भयंदर के समंदर में मिले थे। बड़ी तकलीफों से पाल पोस कर मैंने इनको पड़ा किया। गुड गुड, हम आप ही के चेले हैं सर। सर हमारा नाम भी अब अखबार में आएगा, हमारे साथ आपका भी नाम चमकेगा। यस यस यस, तुमने इतना बड़ा काम किया है लेकिन इस वक्त नटवर है कहां? सर जिस स्पॉट पर उसे गिरफ्तार किया था इस वक्त वो वहीं पर है। बट यस सर, उसे गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ी लेने पुलिस स्टेशन जा रहे थे। मुझसे कह रहा था नटवर कि मैं जाकर ले आता हूं। मैंने कहा चुप। नो नो नो, आई सेड नो। यस ओह माय गॉड। पालनहर बाबा, क्या फिर से हमसे कोई गलती हुई? अबे गलती नहीं महा गलती हुई। जब वो चोर नटवर तुमको खुद ऑफर दे रहा था कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर हथकड़ी लेकर आता है तो उसको जाने क्यों नहीं दिया? उसको वहां रोक कर रखने की क्या जरूरत थी? अब क्या वहां मिलेगा? इस बात का हम ख्याल रखेंगे बाबा। अब तो चोर को ही भेजेंगे, जब गिरफ्तार उसी को होना है तो हथकड़ी लाने की ड्यूटी भी उसी की है। शाबाश। मुश्किल है, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। यसीर, क्या इसी ने हमें पाला है? लगता कुछ डाउट। हेलो कमिश्नर पी के सरफिर स्पीकिंग, कॉल फ्रॉम लंदन। हेलो हेलो जैक, मैं लंदन से आशा बोल रही हूँ। हाँ बिटिया कैसी हो? आई एम फाइन जैक, मैं और लता लंदन से इंडिया पहुँच रहे हैं। आप जरूर हमें एयरपोर्ट लेने आइए। ओके आ जाओ मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आऊंगा। आई लव यू जैक। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय बिटिया। अरे वाह सरफिरे, आज तो तू ऐसा खुश हो रहा है जैसे कोई कुत्ता मस का पाव देखकर खुश होता है। ना तो तुझे मिसाल देने की तमीज है, ना ही कमीशनर से बात करने की तमीज। अरे जा, तू मेरा लंगोटिया यार है, तू कमिश्नर होगा दफ्तर में या नहीं? सॉरी सॉरी, लेकिन तुझे पता मैं इतना खुश क्यों हूँ? कोई खतरनाक टेररिस्ट अपने आप मर गया हो? अरे नहीं यार, तो कोई मर्डर केस अपने आप सॉल्व हो गया होगा? कभी तो अपने दिमाग की अकल से बात किया कर। अरे मेरी बिटिया लंदन से पढ़ाई लिखाई करके वापस हिंदुस्तान आ रही है। ओ, आशा लता लंदन से वापस आ रही है? हाँ, 5 बजे मैं उन्हें रिसीव करने जा रहा हूँ। अरे 5 कब बजेंगे? बढ़िया, हॉटलाइन रिंगिंग सर, ये तेरे 5 नहीं बजने देंगे। लाल फोन है, लाल। अबे लाल। हेलो कमिश्नर सर, फिर चीफ मिनिस्टर स्पीकिंग। यस सर, आज मंत्रालय में कैबिनेट की जरूरी मीटिंग है। यस सर, शाम को 5 बजे। ओके सर, आप टाइम पर पहुंच जाना, इट्स वेरी अर्जेंट। ऑलराइट सर, शाम को 5 बजे। ओके सर। क्या हुआ, नौकरी चली गई? किसी गुंडे ने हफ्ता मांग लिया, सस्पेंड हो गए? मुंह बंद कर चौरसिया। आई एम सॉरी, लेकिन हुआ क्या, तू अचानक खुशियों के समंदर में नहाते नहाते गम के लोटे में कैसे गिर गया? चौरसिया, मैं जब भी खुश होता हूँ ना तो ये लाल फोन बज उठता है और मेरी सारी खुशियों का सत्यानाश कर देता है। एक काम करते हैं, लाल फोन हटा के पीला रख देते हैं। शट अप एसके मोती वाला, इसने फिर से टेंशन दे दिया। अरे तूने पिछले जन्म में उसका कुछ मोती चुराए? शट अप। जी मिस्टर साहब, मुझे ठीक 5 बजे बंगले में बुलाया है और 5 बजे ही मेरी बिटिया फ्लाइट से आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। सर फिरे सर फिरे, अगर तू एयरपोर्ट नहीं जाएगा तो प्लेन लैंड नहीं होगा क्या? अरे प्लेन तो लैंड होगा पर मेरी बेटी को घर तक कौन कराएगा? अरे चिंता क्यों करता है, हमारे एचपी किस दिन काम आएंगे? एचपी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हीरा लाल पन्ना लाल उन दो चवनियों को पाल पोस कर अठन्निया इसी दिन के लिए तो बनाया था। तू कहना क्या चाहता है? अरे कहना ही चाहता हूँ कि हीरा लाल पन्ना लाल एयरपोर्ट जाएंगे, बेटियों को लेकर आएंगे और हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बुला बुलाओ हीरा लाल पन्ना लाल। जी बाबा। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि हमारे कमिश्नर साहब की दो जवान बेटियां हैं। जवान कब हो गई? पता ही नहीं चला। क्या मतलब? नहीं सर, पुलिस वालों को सब कुछ पता चलना चाहिए। किसकी बेटी जवान हुई है, किसकी बेटी किसके साथ भाग गई है, कब भागने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को रखना चाहिए। बकवास बंद करो, सीधा एयरपोर्ट जाओ और मेरी बेटी को लेकर आओ। और याद रखो, इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो आप हमारे कपड़े फाड़ देंगे। क्या कर रहा? पैर छू रहा था सर। मेरी ये दो चमन्निया चलो आगे घिसी हुई है। पन्ना लाल। बोल हीरा लाल। कमिश्नर बाबा ने तो हमें भेजा अपनी बेटियों को लाने के लिए। हाँ। लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? अरे हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। दिमाग भी कोई चीज होती है। अरे यार, चांद पर जाने का रास्ता किसको मालूम था? अंदाजे से पहुंच ही गए ना, तो हम भी दिमाग से अंदाजे से उनको पहचान लेंगे और घर तक पहुंचा देंगे। हाँ, और कमिश्नर बाबा खुश होकर हमें इनाम भी देंगे। पता नहीं डैडी क्यों इतना लेट हो गए। काश कमिश्नर बाबा की बेटियां भी इतनी खूबसूरत होती। ए, चलना, कमिश्नर बाबा तो कबूतर दिखता है पर ये तो हिरनी और मोरनी लग रही हैं। कबूतर से कभी हिरनी और मोरनी पैदा हुआ क्या? कितनी देर हो गई। वो बात सही है, लेकिन इनके चेहरे पे वो बेवकूफी नजर नहीं आ रही जो कमिश्नर बाबा के चेहरे पे जागते हुए के सोते हुए नजर आती है। इनके चेहरे पे कमीनापन बाल्टी भर भर के टपक रहा है जो कमिश्नर बाबा के चेहरे पे लोटा भर के टपकता है। राइट राइट। कसम से लगता है ये दोनों हमारे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बकरे को हलाल करें। हो जाए हो जाए। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। मगर हमारी आंखों ने आपको पहचान लिया। रियली? वो क्या कि हम आप दोनों को कब से देख रहे हैं। अच्छा, हम चीज ही ऐसी हैं जो एक बार देखता है बार बार देखता ही रह जाता है। जी जी, क्या है कि आप जिनको देखने के लिए तरस रही है उन्हीं ने हमें भेजा है आपको लाने के लिए। अच्छा। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तल रहे हैं, मचल रहे हैं। यूं समझिए कि गरम तवे में तल रहे हैं। तो चले। हाँ, चलिए। कुछ कुछ होता है। जोरसिया। हाँ, मेरी बेटियां आ गई। अरे हीरा और पन्ना लेकर आ गए हैं, कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा है, तुम मिला उनसे? आप बाप हैं, पहले आप मिलेंगे। यार आज बड़ा आप जनाब करके बात कर रहा है। तुम्हारी बेटियां आई हैं ना भाई, इसलिए जरा इज्जत से बात करनी पड़ेगी आज, ताकि मुझे औकात में दोबारा ले आएगा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम बैक टू इंडिया मेरी बेटियों। गले लग जाओ। अरे छोड़ो ना, वो तो सिंगल, मगर बुलाते हो डबल। एक ही लिली और दूसरी चिल्ली, सब तो नहीं देखा मैं। अजी मैंने आपसे कहा ना, कमिश्नर साहब इस वक्त नहीं मिल सकते, उनकी बेटियां बाहर से आई हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। अरे तो क्या उनको आसमान से टपकाऊं? टपके टपके। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। ओ अरे बगैर केले के छिलके ये क्या हाल बना रखा है, कुछ पहनता क्यों नहीं? आई विल किल देम, आई विल किल। अरे अरे लड़के से झगड़ा हो गया क्या? अरे मेरी बेटियां नहीं है। तू क्या डुप्लीकेट माल है? डुप्लीकेट माल है क्या? पायला को छोटे बाबा, पायला को बड़े बाबा। बाबा मैंने हीरालाल से एयरपोर्ट पे कह दिया था ये आपकी बेटियां हो ही नहीं सकती। क्यों 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 क्यों? कहां इनके चेहरे पे पहलवान के लंगोट जैसी लाली और कहां ये आधी आधी काली। हां ही इज राइट, हां ही इज राइट। कहां इनका उबला हुआ अंडे जैसा टकला और कहां ये लफड़ा और घपला। चुप बड़े, हट। थैंक यू। मैंने पहले कह दिया था कि आपकी बेटियां हो ही नहीं सकती, लेकिन हीरे ने कहा कि उनके चेहरे से वही लालच और लानत बाल्टी भर भर के टपक रही है जो कमिश्नर बाबा के चेहरे से ड्रम भर के टपकती है। चुप कर यार, चुप कर। ये हीरा ने कहा बाबा, आप जानते मैं सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। अब मैं जाके हीरा से कह दूंगा कि जो कुछ तूने कहा है मेरे बाबा को बोल दिया है। गुर गुर के क्या देख रहा है? नहीं,
मैं देख रहा था कि हीरा ने जो बात कही ना लालच और लानत वाली, वो बिल्कुल सही है। और शट अप। मगर एक बात बता दूं, ये तो शुक्र है इस देश में ऐसे दो ही हीरा लाल पन्ना लाल है। हीरा आज बहुत कड़की है, चल 10 का 100 बनाते हैं। 10 का 100? हाँ चल 10 का 100 बनाते हैं। ये 10 बस बस, और जब तक मैं ताली नहीं मारूंगा आंखें खोलना नहीं, ओके? इक्का दुक्का तिया दू, गुड़ गुड़ गुम्बा हट खोल। अब मेरी बारी है, 100 का 200 बनाते हैं। हाँ ठीक है चल, चलो पकड़ो। हाँ चल, और सेमा जब तक मैं ताली नहीं बजाऊंगा आंख नहीं खोलना, ओके? इक्का दुक्का तिया दू, अरे पदिंबा गुड़ गुम्बा। चल बहुत हो गया, काम हो गया। चल चल भाई साहब, भाई साहब एक मिनट, भाई साहब तो आप लोग तो बड़े पहुंचे हो मालूम, बड़े भाई मेरा भी एक काम कर दीजिए भाई। क्या? एक मिनट, मेरा भी ये 100 का 200 बना दीजिए भाई साहब। अरे यार प्लीज प्लीज, पन्ना पन्ना लाल देश में बहुत गरीबी है यार, बना दे इसका भी बना दे। एक मिनट भाई साहब। हां चल, आज सुनिए जब तक ये ताली नहीं मारेगा आंखें नहीं खोलना। नहीं 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 नहीं, हां बंद बंद। हां जी, एक का दुक्का दिया तू, अरे परिंबा गुड़ गुम्बा खोली। अरे अरे वाह, आप लोग तो बड़े कमाल की चीज है ना, तो 100 का 200। अरे है ना, चलो ओके चलो। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब वो क्या है कि आप लोग तो बड़े पहुंचे हुए आपने भाई, आए दोनों के दोनों। एक मिनट, ये 500 का आप 1000 बना दे साहब तो। ओ भाई साहब उंगली दिया तो कंधे पे हाथ रखने लगे। नहीं साहब प्लीज 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 प्लीज, ये 500 का 1000 बना दीजिए भाई। हाँ चल चल, जब तक ताली नहीं मारेगा आंखें नहीं खोलना। नहीं नहीं, आंखें बंद। ओके ओके चलो बंद। इक्का दुक्का तिया दू, इक्का दुआ तिया दू, इक्का दुआ तिया दू। ए भैया ताली मारो भैया, मुझे अपने आगे खोलनी भैया। आए कोई नहीं सुनता भैया। अरे किधर का भाई, अरे कमाल है भाई, आए अब मेरा बैग भी लेकर चलेगा भैया। अरे कोई है? अरे मर गए मेरा बैग। अरे कहाँ चला रहा भैया? अरे भैया क्या बताएं, बहुत बुरे फंस गए भैया। हम तो अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे, हमारी गाड़ी हो गई थी खराब, तो यहाँ दो आदमी खड़े थे, इक्का दुआ तिया कर रहे थे भाई, तो हमने सोचा भैया कि हम भी 100 के 200 करा ले। तो भाई हमारे 100 के 200 तो नहीं करे, हमारा बैग लेके भागे भैया। ओ तो हीरा लाल पन्ना लाल से मिले हो सुबह सुबह। हीरा लाल पन्ना लाल, ये कौन है भाई? अरे भाई इस एरिया के सबसे बड़े फ्रॉड चोर है। अरे मर गए, बाप रे बाप, इसका मतलब हम तो लुट गए। अरे तुम तो तकदीर वाले हो जो तुमको कपड़े में छोड़े हैं, हमको तो इसका चेयर बनियान में छोड़ दिए। अरे मर गए भैया। हाँ लगे रहो। अरे भैया रोक, चलो चलो चलो। ए हीरा लाल, अरे मर गए भैया। ए बाबा आज की ताजा ताजा कमाई, गरम गरम मलाई, इक्का दुक्का तिया दू, बैग लेकर हम दोनों हो गए। साला पाकिट मारने का, हेरा फेरी करने का, दूसरों का माल इधर से उधर करने का आर्ट, साला हमने टोनी ब्रिगेंजर ने तुमको सिखाया। तुम साला सड़क पर पड़ा मिला, अपन तुम लोगों को पाल पोस के पड़ा किया, और तुम साला मेरा कवर तोड़ कर पैसा ले गया, चोरी करके ले गया मेरा तुम। अरे बाबा बचपन में तुम अपन को लॉरी भी सुना ना, उसमें भी चोरी का आइडिया था। बनिए की दुकान से टोपी में डाल चुराया, कितनी बार तुम जेल का हवा खाया, हमने पब्लिक का पॉकेट मार के तेरे को जेल से छुड़ाया। ए बाबा बबुल का झाड़ू गाएगा तो वहाँ गुलाब का फूल कहाँ से आएगा। जीने के लिए जो कुछ तूने सिखाया ना उसमें हम मास्टर बन के दिखाया। अरे बरोबर है, सब बरोबर है, बरोबर है, लेकिन तुम साला मेरा कवर क्यों तोड़ा? उसमें 40 रुपया 42 पैसा था, निकालो निकालो। अरे बाबा कल सुबह हम दोनों ने उसका भाजी पाव खा लिया। क्या चिल्ला मत, ये ले ब्रीफकेस, इसमें जो माल है वो सब तेरा। ले क्या अखा ब्रीफकेस मेरा? नहीं नहीं अखा नहीं, मतलब आधा तेरा और आधा हम दोनों का। इसमें तो जूता है, काला जूता, लाल जूता, ब्राउन जूता, व्हाइट जूता, ये तो जूता ही जूता है। अब तो जूते ही खाने पड़ेंगे बाबा। तो इक्का दुआ तिया दू। ए, ए, ये किधर गया साला तुम रास्कल?
हेपांस, आज तेरी बिना और मेरी मीना का बर्थडे है, गिफ्ट कहां से लाएंगे यार? मुझे लगा वो आदमी स्मगलर होगा, उसके बैग में माल होगा, लेकिन साले जूते सैंडल निकले। हेपांस, वो देख, ये भगवान, पैसे का टकसार, सेठ मंगल भाई डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक। आज से हमारा नया बाप। बाप? अबे माय बाप। इक्का दुक्का तिया दू। नमस्ते, नमस्ते। हे प्रभु, पिताश्री। कौन छे तू? पिताजी, पिताश्री, मेरी माँ को छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? पिताश्री, आपको काका ने ढूंढा, जापान की जेल में, अमेरिका की रेल में, खट्टे मीठे भेल में, खोपरे के तेल में, समोसे में ढूंढा, आलू में ढूंढा, प्याज में ढूंढा, मगर ना मिला बाप, मिला घास में छुपा सांप। बचाओ, बचाओ, आज वो पागल आदमी मेरे को सांप बोल रहा है, सांप बोल रहा है, बचाओ, बचाओ, पुलिस को बुलाओ, 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 पुलिस को बुलाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाएंगे तो आप अंदर हो जाएंगे। क्यों? ये चीफ मिनिस्टर का बेटा है। क्या कह रहे हो तुम? थोड़ा स्क्रू ढीला है, इकलौता बेटा है, इतना लाडला है, बस इसके पागलपन की वजह से परेशान रहते हैं, घर से कभी भाग निकलता है। लेकिन तुम्हें कौन जो? मैं पिए। तुम पिए और वो पागल है? मैं चीफ मिनिस्टर का पिए हूँ। ओह, और मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त आपको फोन कर सकते हैं। हेलो, मैं चीफ मिनिस्टर गुलाटी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सलाम साहब, सलाम साहब। गुलाटी साहब, आप फिकर मत कीजिए, आपका बेटा गुलाटी खाकर मेरी गोद में आ गया है। वेरी गुड, अब एक अच्छी आया की तरह उसकी देखभाल करते रहिए। जी जी, मैं उसको अपनी धोती का झूला बना के झूलाते रहूंगा। बहुत अच्छे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। देखो, मैंने दारू का लाइसेंस बंद कर दिया है। दारू बारू में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मटके का लाइसेंस मैंने कब का बंद कर दिया है? अरे मटका तो मैं कब का तोड़ चुका हूँ। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए मेरे स्टोर के ऊपर एक फ्लोर बढ़ाने की परमिशन। अरे ये क्या, 10 फ्लोर बढ़ा लीजिए आप। 10 फ्लोर? 10 नहीं जी, मैं 5 फ्लोर बढ़ा लूंगा जी। मेरे कंपाउंड की वॉल जो है ना, उसे मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, 5 मीटर। अरे 50 मीटर बढ़ा लीजिए आप। 50 मीटर? मुबारक मुबारक, 50 मीटर। सेठ जी, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं जी। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए बाहर आ जाइए। जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ, मेरे बेटे की अच्छी देखभाल करते रहो, उसको बेटा बेटा कहते रहो जी। वो अपने अपने बाप को बहुत मिस करता है, जब से उसकी माँ गई है ना, बाप को बहुत मिस करता है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, हाँ, अच्छा, नहीं तो वो भाग जाएगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बेटा बेटा, मारुति क्रो ये जो बेटा। पीए साहब, पीए साहब, हाँ बात हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, मेरा मतलब है चीफ मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। हाँ? मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कितने खुश नसीब हैं आप, वो खुद चलकर आ रहे हैं आपके पास। आप जाकर बाहर वारे न्यारे कर लीजिए, मैं अंदर कर लेता हूँ। अंदर क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसका ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ। जरा जाते जाते उसको जरा कर लीजिए। बेटा, गुलू 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 गुलू, मेरा चीटी पाए, मेरा बेटा, तू ठीक है ना मेरा बेटा? देखो, मेरे बेटे को बिल्कुल कोई तकलीफ ना होने पाए, समझे सेठ? मैं बाहर जाता हूँ, संभालना। हाँ गुलू गुलू, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। हाँ पिता दी। अच्छा, वही सेठ जी का लड़का? हाँ, कहीं छुपा के रखा होगा। हाँ, कहीं छुपा के भी रखी होगी। तो कितना पगल है तुम्हारा? 2000। तुम्हारा कितना? 2500। इसका मतलब 2500 के ऊपर किसी को पगार ही नहीं मिलती। बहुत दान तापी है। मिलेगा सबको, बराबर मिलेगा। ओए सांबा, खोल तो जरा गल्ला और बता, हमरे बापू ने हमरे लिए कितना पैसा छोड़ा है? 2 लाख पूरे हैं सर। पूरे 2 लाख? बहुत अच्छे। ये लो 50,000 रुपए और मंगल भाई के बेटे की तरफ से सबको बांट दो।
और ये 1.5 लाख रुपए से हम अपने कड़के दूर करेंगे। ए बुड्ढा, अरे सुनो भाई, सुनो, ये सरकार ने दिया है तुम लोगों को इनाम में, सभी लोग बांट लो। ये रख लो भाई, ये रख लो तुम। मेरा भोजन ले लो। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? सेठ जी, आपका बेटा बड़ा दयालु है, गल्ले में से 2 लाख रुपए लिए और 50,000 रुपया हम लोगों को इनाम में दे। अरे कोई बेटा बेटा नहीं है मेरा, ये लोग सब फ्रॉड बदमाश लोग है। पकड़ो पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस। आज मेरी मीना का बर्थडे है। मेरी मीना का भी तो बर्थडे है। कब से पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पटती नहीं है। पट जाएगी आज। तोहफे में क्या लाया? ताजमहल। मार्बल का? ताज का फोटो है यार। तो फिर इतना बड़ा बक्सा लाने की क्या जरूरत थी? ताजमहल की इज्जत रखने के लिए, समझा कर। तू क्या लाया? इसमें कुतुब मीनार है। मेरे को मालूम तो मैं 4 मीनार का फोटो लिया था ना। खैर अच्छा ये बता, अपन बिना मीना को क्या कहेंगे? कहना मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह गॉड, कब तक पीछा करते रहोगे? जब तक तुम अपने मोहब्बत के स्टैंप पेपर के ऊपर हमारे प्यार का मोहर नहीं लगा देती तब तक। Why don't you leave us alone? अरे इसी अलोन को डबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश बेकार है, है? क्योंकि आज से हम इनके पहरेदार हैं। समझे? ए भाई, है? ये तो उनका सीन ही लेकर चला गया। ताड़ का झाड़, इसका सीन टेढ़ा करें? तो फिर ए एका दुक्का तिया दूं। नहीं मांगता, धड़ नहीं मांगता, एक बार हो गया दोबारा नहीं मांगता। सोचा नहीं मांगता, धड़ नहीं मांगता, एक बार हो गया दोबारा नहीं मांगता। हीरा लाल ये है पन्ना, मेरा नाम है हीरा लाल, मैं हूँ पन्ना, मेरा नाम है, और अपना ये तकिया कलाम है। कदू कतिया दूँ, 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 Thank you.
भैया तू हीरा लाल ये है पन्ना मेरा नाम है हीरा लाल मैं हूँ पन्ना मेरा नाम है और अपना ये कटिया का नाम है कटू कटिया तू 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 कल तुम दोनों ने मंगल भाई के शोरूम से जो 1.5 लाख की हेरा फेरी की थी कहाँ है वो रुपया 1.5 लाख का हेरा फेरी हाँ 1.5 लाख की हेरा फेरी 1.5 लाख हीरा पन्ना वो 1.5 लाख रुपया कहाँ है वो तो इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया हाँ। बाप का माल है जो इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया ए, इंस्पेक्टर साहब हम लोग बहुत इज्जतदार आदमी है देखो साहब माँ पे नहीं जाने का पहले बोलता है ए, तुम साला इडियट रास्कल जब 1.5 लाख का हेरा फेरी किया है तो तुमको अपने बाप का याद नहीं आया और अब प्रेगेंजा को तुम हमदर्दी दिखा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब लेके जाओ साले चलो चलो कैसा बाप है ये जहरीला सांप है चलो हवलदार गाड़ी रखो चलो तुम दोनों उतरो गाड़ी से ये साहब यही वो बंगला है झूठ बोलते हो तुम अरे आपकी वर्दी की कसम बेल्ट की कसम टोपी की कसम आपके बाल बच्चों की कसम साहब अरे यार काय को सच्चा बात पे कसम खा रहा है यही वो बंगला है जहां लोगों ने पैसा इंटरेस्ट पे दिया है तो चले अरे साहब क्या है कैश का मामला है पार्टी घबराती है पुलिस देखकर समझ कीजिए आप एक काम करते हैं मैं आपके पास गिरवी रहता हूँ तू जा माल लेके मैं तो नमस्ते 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 तमे कौन छो मैं आपका नया मैनेजर हूँ अच्छा अच्छा क्या काम है सेठ जी गए आशुते गए हो हे भगवान उससे अच्छा मुझे उठा लेते सिताने जी आप तो सोच रही है वैसा नहीं है सेठ जी सर्वनाश हो गया सत्यानाश हो गया क्या हो गया फिर से रेस में हार गए क्या केस में कौन सा केस मैंने सेठ जी को कितना समझाया कि हिसाब में काला पीला मत करो नहीं माने आखिर आगे ने इंक्वायरी के लिए कौन इनकम टैक्स ऑफिसर हे भगवान ये इनकम टैक्स ऑफिसर है नहीं लगते ना मगर है अच्छा अच्छा ये मुझे घूर के क्यों देख रही है कहीं मैंने उसका कभी पर्स तो नहीं मार दिया क्या बोला नहीं साहब कुछ नहीं ऐसे ही सिटानी जी हार कितने का है 20 लाख का है 20 लाख गए 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 और ये चूड़ियां 10 लाख की 30 लाख रुपए अब ये इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये दागीने नहीं दूंगी घर में कैश कितना है 3 लाख 6 ये 30 लाख रुपए बचाने के लिए ये 3 लाख तो गवाने पड़ेंगे ना क्या मैं कोशिश करूंगा 3 लाख में पटाने की उसको अच्छा ठीक है मैं जरा सेठ जी से पूछ कर आती हूँ क्या कर रही हैं आप सेठ जी हार्ट पेशेंट है सीधे खाट पे आ जाएंगे हाँ शो बोलो चो इससे पहले तो अटैक आ चुके उन्होंने मुझे कसम दी थी कि सिटानी को मत बताना लेकिन क्या करूँ उस टेंशन की वजह से मुझे कसम तोड़नी पड़ रही है भगवान हवे में शो करो कुछ मत करो 3 लाख की अगरबत्ती जलाओ और ये इनकम टैक्स के मच्छरों को भगाओ अच्छा ठीक है मैं पैसे लेकर अभी आती हूँ जल्दी जल्दी तुम कहीं मत जाना मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं भी आती हूँ हे भगवान ये लीजिए 3 लाख रुपए और जल्दी से इस मुसीबत को भगाइए अरे अभी भगा दिया मगर सेठानी जी कमाल है आप बेफिक्र रहिए भगवान सब ठीक करेगा अरे अब जाइए ना आ भी गया हीरा बहुत टाइम हो गया अंदर चले क्या भगवान वो देखो माल लेके आ रहा वो देखो ये रहे मंगल भाई के 1.5 लाख रुपए और ये हमारे 1.5 लाख तुम्हारे इंटरेस्ट के सब अभी तो आपको यकीन आ गया ना हम लोग सब सच्चे लोग हैं क्यों भाई अभी निकलना चलना काको बड़ा लटाना चलना चल 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 ठीक है अरे अरे इंस्पेक्टर खन्ना साहब अरे अरे आओ आओ इंस्पेक्टर खन्ना साहब वो दो चोर का नेम प्लेट लगा हाँ खान साहब सॉरी हाँ वो दो चोर का कुछ पता लगा वो दोनों भी मिले और आपके 1.5 लाख भी मिल गए अरे
वो दो चोर पैसे दे गए, ये चमत्कार हुआ कैसे? वो दोनों आए, उस सामने वाले बंगले में गए, वहाँ से 3 लाख लेकर आए, 1.5 लाख मुझे दिया और 1.5 लेकर गए। ये सामने वाला बंगला? ये सामने वाला बंगला। ये बंगला तो मेरा है, इसका मतलब वो पैसा भी मेरा ही मार के लाए। अरे अरे अरे, वो लोग फिर से मेरे को चुना लगा गए। अरे सामलो छो। हाँ वो मारा डिक्री। अरे डिक्री नहीं, बीवी। हाँ हाँ, बैरी बैरी बैरी। क्या यही वो चोर थे? हाँ हाँ, वही दो चोर थे, शनि मंगल, जिसने पहले भी मुझे 1.5 लाख का चूना लगाया था, आज फिर से लगा गए। सिर्फ तुमको और मेरे को चूना नहीं लगाया, पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर खन्ना साहब को भी लगाया। नेम प्लेट प्लीज। हाँ, खान साहब को भी लगाया। अभी कौन बाकी है? सर फिरे, आज क्या लग रहा है तू? ऐसा लगता है जैसे 16 श्रृंगार करके आया है। मेरी बेवकूफी के फटे हुए जूते हैं। अरे विशाल तो ठीक तरह से दिया कर, 16 श्रृंगार औरतें करती है, मर्द नहीं करते। वैसे एक बात कहूँ, आज मैं खुश बहुत हूँ। सॉरी, तेरी जिंदगी में खुशियां आ ही नहीं सकती जब तक ये लाल टेलीफोन है। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी लड़कियों के लिए नई कार बुक करवाई थी, उसका नंबर लग गया। अच्छा अच्छा, मैं अब अपनी बेटियों को लेकर जाऊंगा, नई गाड़ी लेकर आऊंगा और अपनी खुशी को अच्छी तरह से एंजॉय करूंगा। लाली लाली, सफेद वाला, सफेद वाला, बताओ बताओ। अरे इसकी घंटी अलग है, मैं जानता हूँ। हेलो, कौन? हेलो कमिश्नर साहब। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं शोरूम से बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस, आपकी नई गाड़ी का नंबर लग गया। ओह थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। देखा, मेरी गाड़ी का नंबर लग गया। कमाल है, तू तो ऐसा खुश हो रहा है जैसे किसी भिखारी को लॉटरी का नंबर लग गया हो। क्या बोला? मिसाल। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। कम कम एंड लेट्स गो। अरे भाई, तुम्हारे लिए मैंने नई गाड़ी बुक करवाई थी, उसका नंबर लग गया, इसलिए चलो। ओह डैडी, हाउ एक्साइटिंग। बाय चरसिया। बजेगा, 100% बजेगा। क्या बजेगा? ये लाल फोन। अरे इसकी तरफ मत देख चोरसिया, ये बजेगा नहीं तो। मैं इसकी तरफ देखूं या ना देखूं, ये आपको खुश नहीं देख सकता, अपना धर्म निभाएगा और बजेगा। इससे पहले कि बजे, निकलो यहां से। बजेगा नहीं बजेगा? बजेगा नहीं बजेगा? बजेगा। मर गया। उठाई, बड़ा कमीना फोन है। खानदानी दलील, बज गया। आबे लाल मुंह, तू बज गया। उठाई उठाई, जल्दी कीजिए, नहीं तो कुर्सी से उड़ जाएंगे। जल्दी। हेलो कमिश्नर, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, फौरन आ जाइए। जी सर, अभी। इसी वक्त अर्जेंट मीटिंग है। ओके सर, ठीक, आधे घंटे में पहुंच जाइए। ओके ओके। तो सर एक बात बताइए, जब भी ये हॉटलाइन बजती है तो आपका सारा प्रोग्राम कोल्ड क्यों हो जाता है? इस एसके मोती वाला को मैं जान से मार दूंगा, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खाने के लिए दूंगा। मीटिंग में बुलाया, गाड़ी लेने को जाएगा। हम जाएंगे डैड। लेकिन तुम्हें गाड़ी चलानी कहाँ आती है? आज तो मेरी दो चमनिया कब काम आएंगी? क्या वो दोनों? सर वो गाड़ी चलाने में मास्टर हैं। एक दिन दोनों ने आंखों पर पट्टी बांधकर जीप चलाई है। व्हाट? आंखें बंद करके? उस दिन शहर बंद था, कोई कुत्ता भी सड़क पर नहीं था ना जी। मगर मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी की ठूठा। सर गाड़ी की गारंटी मेरी, टूट कर रहेगी, मेरा मतलब संभल कर रहेगी, डोंट वरी। प्रॉमिस प्रॉमिस। बुलाओ हीरालाल। ओपन हीरालाल। जी बाबा। तुम्हें अभी इसी वक्त जाकर एक डिलीवरी लेनी है। कौन से हॉस्पिटल से? हैं? बाबा ये बेबी। अरे गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, किसी बच्चे की नहीं। ओह, हम भी साथ चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, चलिए ना, क्योंकि लंबा सफर छोटा हो जाएगा। जी जी, कुछ नहीं। मगर बाबा, शनिवार के दिन लोहा घर में लाना अच्छा नहीं होता। बकवास, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मगर बाबा सारा हिंदुस्तान मानता है। अरे करता होगा, तुम जाओ यार डिलीवरी लेकर आओ। मगर शनिवार के दिन लोहा घर में लाएंगे। जाओ यार। आइए आइए, चलो चलो। साहब मेरी दोनों चमनिया छोटी रही, चल आगे। बाबा मैं आखिरी बार सोचने का मौका दे रहा हूँ, शनिवार के दिन लोहा घर में लाना अच्छा नहीं होता। गेट आउट। हीरा गाड़ी लाएगा, पन्ना गाड़ी लाएगा, मैं उसको चलाऊंगा, पी 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 पी, चोरसिया को नहीं बिठाऊंगा। साहब आपकी गाड़ी आ गई। ओ गॉड, आशा ने पहले पहले मना किया था कि शनिवार को लोहा मत लाओ, अब ये आशा ने बेची पूरी तरह छोटी गाड़ी को। बाप रे, गाड़ी की तो मैयत ही निकल गई। कान कट गया, आंखें चली गई, गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई। कमिश्नर बाबा, इस गाड़ी को देखेंगे तो अपने कपड़े फाड़ देंगे।
कमिश्नर बाबा ने पहली बार तो गाड़ी खरीदी है। मगर ऐसी गाड़ी में बैठने के लिए तकदीर भी तो होनी चाहिए। गाड़ी की जो दुर्गति हुई है ना, कमिश्नर बाबा कैदी की भी ऐसी दुर्गति बनाते हैं। अब क्या होगा? मुझे याद है जब कमिश्नर बाबा इंस्पेक्टर थे ना, मुझे स्कूटर दी थी उन्होंने, मैंने दीवार में ठोक दी, तो उसके बाद कमिश्नर बाबा ने मुझे इतना ठोका कि मोहम्मद अली किले ने भी पाइट पे किसी को नहीं ठोका। मुझे याद आया, कमिश्नर बाबा ने एक बार खड़ी करी थी, मेरे हाथ से गिर गई, कांच टूट गया, उसके बाद मेरी जो धुलाई की आज तक मैं खड़ी देखना भूल गया। अब देखो तुम्हारी कितनी धुलाई होगी। अरे क्यों रो रही है? इसको टेंशन होती है तो ये ऐसे ही रोती है। अरे तो चुप करो। इसको चुप कराने को बटन लगाओ जो दबाने चुप हो जाएगी। नहीं, अगर ये तोड़फोड़ का इल्जाम कोई ले ले तो ये चुप हो सकती है। तो समझ लो मैंने ले लिया। अरे कमिश्नर बाबा इतना ठोकेंगे कि सब भूल जाएगा तू। अरे ये ठुकाई मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की की आंखों में मैं आंसू कभी नहीं देख सकता। बताइए सर, गुस्से को थूक दीजिए और कुछ बोलिए। अच्छा, कुछ नहीं बोलते तो कम से कम रोइए। आपके कार की मैयत निकल गई है, रोइए। इस सदमे को भुलाने के लिए आपके आंसुओं की सख्त जरूरत है, वरना आपका दिल फट जाएगा। रोइए, भूखे बिल्ली की तरह रोइए, गली के आवारा कुत्ते की तरह रोइए, मगर रोइए, प्लीज रोइए। क्या हो गया है? अरे आपका दिल है या सड़ा हुआ तानपुरा, बजता ही नहीं। आज उसको बजाइए, अपने आप को रुलाइए। शेयर बाजार में लुटे हुए व्यापारी की तरह रोइए, क्लब में हारे हुए जुआरी की तरह रोइए, सिग्नल पे भीख मांगते हुए भिखारी की तरह रोइए, मगर रोइए, प्लीज रोइए। सर फिर तुम्हारा दिमाग फिर जाए तो रोता क्यों नहीं यार? लगता है आज ये जाएगा और फिर मुझे रोने वालों को बुलाना पड़ जाएगा। रुदाली को, रुदाली, अच्छा एक काम कर, मेरी कॉपी कर, ऐसे रो। You are finished. Dismiss. Dismiss. Out. Meena, my darling. Meena, my darling. नींद तो आंखों से ऐसे उड़ गई है जैसे शिकारी की बंदूक देखकर दाल से चिड़िया उड़ जाती है। तुम्हारे बिन लाइफ लंच प्लेट विदाउट राइस है। जब तक तुम हमें अपना नहीं मानोगी, हम यूं ही आधी रात को आते रहेंगे। बेबी, हम तुम्हारी राइट चॉइस हैं। हम तुम्हारे दिल पर अपने प्यार का च्युइंगम चिपका कर रहेंगे। यस, प्रेम पत्र के पत्थर मारते रहेंगे। तुम्हारा हीरालाल, तुम्हारा पन्नालाल। देखिए इनकी हिम्मत बहुत है ना, जब मोहब्बत हो जाती है तो हिम्मत बढ़ जाती है। दीदी चुप कर, कुचल के रख दूंगी मैं उनकी हिम्मत को। ये असली लवर लगते हैं दीदी, वो दोनों एक नंबर के सड़क छाप रोमियो हैं। अरे मैडम, हम सड़क छाप रोमियो नहीं, हम बालकनी छाप रोमियो हैं। बंद करो ये बकवास, बहुत देखे तुम जैसे हम सड़क छाप मजनू। अरे मैडम, हम सड़क छाप मजनू नहीं, हम अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा
कुछ भी कर सकते हो जी। गार्डन में ऊंचे टावर से छलांग लगा सकते हो। तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? अरे मैडम ऊंचे टावर क्या, आपको अपना प्यार साबित करने के लिए हम तो चांद से भी खुद ही मार सकते हैं। ठीक है तो कल सुबह 11 बजे ऊंचे टावर से छलांग मार के ये साबित कर दो कि तुम हमसे सच्ची मोहब्बत करते हो। अरे छलांग मारने के बाद हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो प्यार किससे करेंगे आप लोग? That's not your problem. दीदी तुम क्या कह रही हो? तुम चुप रहो। ठीक है मैडम, कल की गुड मॉर्निंग के लिए आज का गुड नाइट, कल ठीक 11 बजे मिलेंगे। कहाँ है हमारे मजनू? आते ही होंगे, खुदकुशी करने में लेट हो गए बेचारे। मुझे तो उनकी आंखों में सच्ची मोहब्बत दिखाई देती है। अगर वो सच्चे आशिक होते ना तो हमसे पहले यहाँ पहुँच चुके होते। वो नहीं आने वाले, चलो। हम लोग यहाँ हैं। देख मेरी लला, आखिरी बार देख ले तेरा ये छैला। ए मीना, तेरा ये आशिक अपना इश्क साबित करने के लिए देख कितनी ऊंचाई पर आ गया है, कूदने के लिए। हम तुम्हारे प्यार में जान देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप अपना इरादा बदलना चाहते हैं, हम अपना इरादा बदल के नीचे आ सकते हैं। हम 38 तक गिनते हैं फिर जम करेंगे। 4, 8, 16, 32। शट अप, बंद करो ये नाच गाना और अब मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, जंप। देखा ना दीदी, देखा ते दीना दोनों ने अपनी जान, ये हमारे सच्चे प्रेमी थे। ये मैंने क्या किया? और सच्चे प्रेमी इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं मिल सकते। हीरा, 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 ये तुमने क्या किया हीरा? सच्चे प्यार का सबूत दिया। काश कि तुम्हारे सच्चे प्यार का एहसास मुझे पहले हो जाता। हीरा अब क्या पता वो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा? आत्महत्या का केस होगा। दोनों में से कोई नहीं बचेगा। क्या? केस भी चलेगा। आजादी होगी। दीदी काश उसकी बात मान लेते। हीरा नहीं मर सकते, हीरा तुम नहीं मर सकते। आपके प्यार के करंट से वापस आ गए। यमराज ने हमको बुला लिया था ऊपर। आत्मा को रिटर्न कर दिया। मीना बिना कहां से आ गया? बहुत से 420 देखे मगर इन जैसे 420 कहीं नहीं देखेंगे। You cheat! Okay, you are not going to be able to do it! We hate you! We hate you! We hate you! We love you! We love you! We love you! देवा ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं मेरी जान, मोहब्बत। क्या बकते हो? मोहब्बत है तुमसे? तो क्या उससे जो अपनी जान देने के बजाय ऊपर से पुतले फेंककर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था? चल ले मैं ऐसे। लगता है उस दिन का प्रसाद कम पड़ा, वो तो म्यूजिकल था। अब एक्शन भी देख ले।
सुधर गया तो इसे फाइटिंग का दी एंड समझना, वरना यह इंटरवल है। अगली मुलाकात में क्लाइमैक्स कर दूंगा। जय हिंद। आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है कि तुमको मुझसे इतनी मोहब्बत है? बचपन से एक ख्वाब देखा था कि मोहब्बत करूंगा तो किसी परी से, और जिस दिन से तुम्हें देखा है दिल मुझे बार बार यही कह रहा है कि तुम वही परी हो। तुम्हें देखते ही मेरे बाल खड़े हो गए, मैं टोटल लॉस हो गया, और ये पन्ना लाल इस परी को पाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बड़ी बड़ी है आंख तेरी, खड़ी खड़ी है नाक, घने घने हैं बाल तेरे, तने तने हैं गाल, देख के तुझको दिल मेरा मुझको देता है एडवाइस। यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस, राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस। बड़ी बड़ी है आंख तेरी, खड़ी खड़ी है नाक, घने घने हैं बाल तेरे, तने तने हैं गाल, देख के तुझको दिल मेरा मुझको देता है एडवाइस। यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस। बंगला है, डैडी ने कुछ दिन पहले ही खरीदा है। हाँ, तांगला है, तांगला है। तुम्हारा बाप स्मगलर है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहा है? तुम लोग बैठो, हम लोग डैडी को लेकर आते हैं। प्लीज प्लीज। देखो इंस्पेक्टर, मेरे को वो दोनों छोकरे किसी भी हालत में चाहिए। जब तक मैं उनको जेल नहीं भेज देता हूँ मेरे को ऊंग नहीं आएगी। छोड़े भी ये फोन, बाहर चलिए ना और देखिए हम किसको लेके आए हैं। यहाँ बेचने के लिए क्या क्या है? कालीन है, सोफा है, कुर्सियां हैं, झूमर है, साउंड बॉक्स है, फ्रेम है, ये पीस देखिए, यार एंटी है। अरे खुश में आप पन्ना। यार प्लेटे, चमचे, डाइनिंग टेबल, फोटो लैम्प,
ट्यूबलाइट और ये सिल्क के पर्दे। अबे गुर्दे, ससुर के घर में भी चोरी करेगा? क्यों, बाबा के घर में तिजोरी नहीं तोड़ी थी? अरे बाबा क्या कहता है कि चोर चोरी दस घर छोड़ के करता। मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ और गिनीज बुक में मेरा नाम लिखवाना चाहता हूँ। अबे चुप। अरे तुम दोनों तो इतने खुश हो रहे हो जैसे कि दो छोकरे जिसकी तलाश है उसको लेकर आए। उन्हीं को तो लेके आए हैं हम जिनकी आपको तलाश है। यानी? यानी कि आपके होने वाले दामाद। होने वाले दामाद? अरे प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु। हालो जईने जमाए बाबू नो मोड़ू जोइए। जया भाभी हालो। अरे भाभी नहीं, बैरी बैरी। चलिए ना दादी। बैरी बैरी चलिए ना दादी, जल्दी चलिए, कब से बाहर बैठे हैं बेचारे। चलिए ना दादी। आऊं छू हीरालाल पन्नालाल रॉन्ग नंबर। अरे मेरे होने वाले जमाए किधर है? यही तो है वो। तो फिर चेहरा क्यों छुपा रखा? अरे हमारे होने वाले दामाद जी, जरा चेहरा तो दिखाइए। अभी भी हमें खबर मिली है कि मुहूर्त ठीक नहीं है, चेहरा छुपा के रखो। मेरी राशि भी यही कहती है कि आज मंगल मुझ पे भारी है। अरे मंगल भाई तो हूँ चू। तुम ही तो हम पर भारी हो। राशि में लिखा है कि राहु केतु सर पे खड़े हैं। अरे दिकला मारी पासे बहु पैसा छे, मैं तो हवन करके राहु केतु को भगा देगा। तो भाग जाओ, खड़े क्यों? नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा देखे बगैर नहीं भागूंगा। मैं भी तुम्हारा चेहरा जरूर देखूंगी। अरे अरे आप अगर हमारा चेहरा देख लेंगी ना तो आपका भी हम दोनों की सास नहीं बन सकती। आप भी ससुर बनते बनते रखड़ जाओगे। रखड़ जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारा चेहरा देख कर रहूंगा। चेहरा दिखाओ। तो देखिए पैसे खिदमत है, चेहरा मेरा 2 लाख का क्या? 2 लाख निकाल। अरे उसमें से 50,000 रुपया तेरे स्टाफ को दिया यार। 2 लाख में से 50 का मेरा 1.5 लाख निकाल। ये बात सुन, उसमें से तुम्हारी बेटियों को घुमाया फिराया, उसे पिक्चर दिखाया, शॉपिंग कराया, पैसा फिटूस। पर मारा 3 लाख लूसू। हाँ, अरे 3 लाख लूसू। अरे 1.5 लाख रुपया इंस्पेक्टर को दिया ना, उसने तुम्हारे पति को दिया ना? दिया ना। हाँ, और बाकी के 1.5 लाख? आपकी बेटी को सोने का हार दिया, चूड़ियाँ और बिंदिया दी, सोने का झुमका दिया, इम्पोर्टेड घड़ी दिया। पूछो। मेरे पैसों से मेरी बेटियों को बटाया? अरे तू क्या समझा बाप? ये मेरी लैला है, हम इनके मजनू हैं। ये चोली है तो हम इनके दामन हैं, ये फूल है तो हम आंगन है। शट अप। इस जन्म में तो तुम लोग मेरा जमाई नहीं बन सकता। नो प्रॉब्लम, हम फिर से जन्म लेंगे। हाँ, करण अर्जुन की तरह। करण अर्जुन की तरह तो कोयला बन जाओगे, कोयला। गेट आउट। नहीं डैडी, हम इनके बिना जी नहीं सकते। डैडी मैं तो जहर खा लूंगी। अरे शादी के बाद भी तो जहर ही खाना पड़ेगा। अरे मेरी दिकरी समझने की कोशिश करो, ये लोग पैसा कमाने के लायक नहीं है। अरे क्या बात करता है तुम, हम तुमको पैसा कमा के दिखाएगा। कमा के दिखाएगा? ठीक है, 3 महीने के अंदर 50 लाख रुपया कमा के दिखाओ। तुम सीरियसली बोल रहा है? सीरियसली तो क्या, अगर 3 महीने में 50 लाख रुपया नहीं कमाया तो मैं 3 महीने के बाद मेरे दोनों दिकरियों का शादी 60 लाख में कर दूंगा। चलो भाई पतली गली। अच्छा चलते हैं। आप सीरियसली बोल रहे हैं? सीरियसली नहीं तो क्या है? क्या हो गया आपको? नौकरी भी गई, छोकरी भी गई। मैंने तुझसे पहले ही कहा था उन छोकरियों को गाड़ी चलाना मत सिखाओ। अरे मेरा सीट ले गई, बाप उसका ड्राइवर लगता है। कमिश्नर बाबा तुझे ड्राइवर लगता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ध्यान से देखो तो लगता है। हाँ यार, एक दो बार मैंने भी देखा जब जीप चला रहा था, ड्राइवर ही लगता है। अब क्या करें, ड्राइवर की बेटी से गाड़ी ठुक गई तो हम क्या करें? 3 दिन से खाना नहीं मिला। अरे बेटा भूख लगी तुम लोगों को? हाँ माई। आओ मेरे पास आओ। लो बेटा लो, खाओ खाओ। आप कौन है? बच्चों को खाना खिलाने वाली माई होती है ना। तू बराबर बोल रहा, हम लोगों की माँ नहीं है ना, इसलिए हमको मालूम नहीं माँ कैसी होती है। हमारी अगर माँ होती ना तो कैसी होती? हाँ, मेरे बेटे भी आज तुम्हारे जैसे होंगे। आपके बेटे हैं? हाँ ये देखो,
ये मेरे जुड़वा बेटे हैं। लेकिन इसमें तो चार हैं। वो भी जुड़वा है, मेरी सहेली के बेटे हैं। पुलिस? पायला कुमार जी, चलता हूँ। हाँ? बड़े बाबा, बड़े बाबा, हम जेल से भागे हुए नटवर को पकड़ कर लिया है। बड़ा भयानक चोर है बाबा, चेन चोर, घड़ी चोर, मुर्गी चोर। बड़े बाबा, हमने माँ से वर्दी मांगी थी और माँ ने हमको नटवर दे दिया। हाँ। देखा कमिश्नर साहब, ये दो चवन्नियाँ जो मुझे सड़क पे मिली थी और जिनको मैंने आपकी मदद से पाल पोस कर अठन्निया बना दिया, एक दिन रुपया जरूर बने। ये जरूर गली में चलते हुए किसी लफंगे और चादर में लपेट कर लाए हैं, समझे? नहीं बड़े बाबा, ये 100% नटवर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। आप इसके दर्शन कर लीजिए ना और फैसला कर लीजिए। अरे हम तो मुर्गी का अंडा समझ कर लाए थे, ये तो हाथी का अंडा निकला। 23 सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी और आज वक्त ने तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, एस के मोतीवाला। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मोतीवाला ने मेरे पति को मार दिया। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हवाला क्लब। यहाँ आप लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि आप लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी तरह से भरोसा है। हमारे इस देश का सारा रुपया डॉलर बनकर विदेश की बैंक में जमा कर दिया जाएगा। सर, इस हवाला कांड में कहीं हम अंदर हो गए तो? बिल्कुल सही बोले नेताजी। अरे पुलिस अंदर ले जाके क्या खर्चा पानी देती है? ए बाबू, पटेली टोपी बोल भाई, क्यों काम का नर्वस कर रहा है इसे? अरे समझा ना, अपनी ड्यूटी है। वर्मा जी, हम बहुत खुश हैं कि आप जैसे ईमानदार मिनिस्टर बेईमानी का चोला पहनकर हमारे साथ है। आपके अकाउंट में भी 2 करोड़ जमा कर दिए जाएंगे। Cheers to the new man in our group. Good evening, gentlemen. A very good evening to all of you. इनसे मिलिए, यह है हमारे नए मेंबर मिनिस्टर वर्मा। नेताजी, बहुत देर से देख रहा हूं, आपका लाइटर आपकी सिगरेट का साथ नहीं दे रहा। शायद लाइटर खराब हो गया है, कोशिश करता हूं। हम ठीक किए देते हैं। ये आपने क्या किया? कमीनो, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, बस आज का ये हवाला कांड का सबूत जमा करना बाकी था। आज रात के 9 बजे तक अगर मैं अपने घर नहीं पहुंचा तो तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरी पत्नी पुलिस के हवाले कर देगी। इसका मतलब ये कमीना इस लाइटर में छुपे हुए कैमरे से हमारी तस्वीरें खींच रहा था, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उस ईमानदार मिनिस्टर के खून के धब्बे मुझे आज भी तेरे ग्रेबान पर नजर आ रहे हैं, इंसान और इंसानियत को खा जाने वाले दरिंदे। डायरी, करोड़ों के हवाले की डायरी, तुम लोग इस देश के भविष्य को अपने कदमों तले कुचल देना चाहते हो, लेकिन जब तक हम जैसे ईमानदार इस देश की मिट्टी पर जिंदा हैं, तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं पूरे होंगे। गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ इसे और इसे अंदर कर दो। बाबा, ये कौन थे? ये तो बिल्कुल तड़ीपार मालूम होता है। बहुत ही खतरनाक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। मतलब
हम मछली के बदले मगरमच्छ पकड़ कर लाए, बकरी के बदले शेर पकड़ के लाए। यस, लेकिन तुम दोनों ने आज कमाल का काम किया है। सर सर, मैंने कहा था ना, मेरी ये दोनों अठन्निया एक ने एक दिन रुपया बनकर जरूर दिखाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा था हीरालाल, पन्नालाल, कल से तुम दोनों ड्यूटी पे आ जाओ। मतलब माता ने हमारी वर्दी वापस कर दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक अरे तेरे बिन जिंदगी ना लगे, तेरे बिन आशिकी ना लगे। मेरे दिल का जलन भी है तापिया, कटे गिन के पल नहीं लागे जिया। तेरे बिन जिंदगी ना लगे, तेरे बिन आशिकी ना लगे। आपका भाई गिरफ्तार नहीं हुआ है, समझ लो हम सबके हाथों पे हथकड़ियां पड़ गई हैं। कमिश्नर को हवाला का डायरी मिल गया, आपका भाई खुद तो फंसा है, हमें भी फंसा देगा। उस डायरी के पहले पेज पे मेरा नाम लिखा है, अब पुलिस आपके भाई को तोड़ेगी और वो हम सब के बारे में सब कुछ गल के रख देगा। मेरा भाई अपने खुद के बनाई हुई कोडवर्ड वाली जुबान में बोलता है, वो जुबान पुलिस तो क्या भगवान भी नहीं समझ सकता।
और मेरा भाई इतनी आसानी से टूटने वाले मिट्टी का पुतला नहीं है, वो भी मेरी तरह जुर्म और गुनाहों के पत्थर से बना हुआ है। मोतीवाला, वरना तुम जानते हो आजकल एनकाउंटर्स कैसे होते हैं। एकदम खून से भरे हुए भाई। आज मैं अपने खून का खून करके आया हूं इस दायरे के लिए। भाई आपने टकलू भाई को लुड़का डाले क्या? आज इस दायरे को हासिल करने के लिए मैंने अपने अपने भाई की बलि चढ़ाई है। आपके इस डू और डाई वाले एटीट्यूड के लिए बेगंजा आपको सलाम करता है। अब ये डायरी मेरे हाथ में आ गई है। अब कानून के पंजे मेरी गर्दन में नहीं गड़ सकते। अपने हवाले की लेन देन की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आज अपने एक भाई को खोकर मैंने अपने 100 भाइयों को बचाया है। ये क्या लिखा हुआ है? हिसाब में गड़बड़ है। टकलू भाई ने फांदा किया है क्या? कोई प्रूफ नहीं है क्या? 4 किलो आलू खा गया भालू। तू भी चालू और मैं भी चालू। अरे ये तो एकदम मेरे मामूक शायरी है। कल रात को खाई थी बासी भिंडी, आज मटके में आएगी सत्ते पे मेंढी। चार टीपे बाप सत्ते में नहीं खेल के आऊंगा। बकवास बंद कर वरना तेरे खोपड़े उड़ा दूंगा। लगता है पुलिस ने हमें डबल क्रॉस किया है। मेरा भाई तो गया और डायरी भी गई, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। किसी भी कीमत पर तो हवाले वाली डायरी में हासिल करके ही रहूंगा। लेकिन चीर फाड़ कर रख दूंगा उन हड्डियों को जो मेरे। आप तो जख्मी है ना मोतीवाला। जख्मी चीता हमेशा खतरनाक होता है टोनी। नहीं, इस वक्त ऐसा रिस्क नहीं लेने का। ऐसे खतरनाक आपको करने के लिए अपने पास 2 खिलाड़ी है ना? कौन है कौन है कौन है कौन है वो? अरे वही अपन का 2 पालतू हीरा लाल पन्ना लाल। हाँ अपन उनको सड़क से उठा करके लेके आए। ऐसा कुछ नहीं, भाई ने भी आप उनको सिग्नल के बाजू के कचरे के डब्बे में से उठा के पाले लाए। बात का यकीन है कि पुलिस कस्टडी से वो डायरी लेकर आएंगे? अरे बिल्कुल लेकर के आएगा। वो पुलिस की नाक के नीचे से लेकर के आएगा, आंख के सामने से लेकर के जाएगा। अपन का हीरा लाल पन्ना लाल कोई भी चीज लेकर के यूं अलंछू होता है। अगर वो डायरी मुझे दे दे तो मैं उन्हें मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। उनको काय को देने का, अपन को देने का ना। अपन उनके सामने कुछ भी अड्डी डाल देगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब अपन का हीरा लाल पन्ना लाल आपका डायरी लेकर के आएगा। रिलैक्स भाई। सर ये वो जगह है जहां मैंने डायरी बिल्कुल हिफाजत के साथ रखी हुई है। और सर कोई चिड़िया भी यहां पर नहीं मार सकती। ये देखिए सर, ये एक ही चिड़िया जिसने आकर अपना घोंसला बनाकर रखा हुआ है, इसलिए पर मार रही है सर। सर ये इस चिड़िया का हस्बैंड है, कभी कभी मिलने के लिए आ जाता है। और हाँ, कल सर दिल्ली से वो सीबीआई की डेलीगेशन आ रही है जो डायरी लेकर सीधा डायरेक्ट दिल्ली चली जाएगी और उन तमाम मुजरिमों को अंदर कर दिया जाएगा
जिन्होंने इस हवाला कांड में काम किया है। आइए सर। और सर, इस डायरी की हिफाजत के लिए हमने हीरा लाल और पन्ना लाल को तैनात करके रखा हुआ है। हीरा लाल, पन्ना लाल, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन यहाँ से हटना मत। यस सर। सर, अगर हम लोग टकलू को नहीं पकड़ते तो आज आपका और हमारा नाम डिपार्टमेंट में रोशन ही नहीं होता। क्या कहा जी? कुछ नहीं। हाँ, और एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम दोनों के काम की वजह से डिपार्टमेंट का सीना चौड़ा हो गया है। और चौरासी की चौनी हो, एक बात और बता देना चाहता हूँ, तुम्हें लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, पैसा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिकना नहीं। कह देना नॉट फॉर सेल। सर, हम लोग कोई मेडिकल शॉप की दवाइयां नहीं के नॉट फॉर सेल हो जाएंगे। हम किसी म्यूजिक कंपनी के सैंपलर कैसेट्स नहीं जो नॉट फॉर सेल हैं। गुड, वेरी गुड। चले सर। ओके। जी अंश, बाबा समझते हैं। आपके लिए अर्जेंट फोन है। चल पन्ना, डायरी चुरा कर बिरगंजा को डबल क्रॉस करते हैं और डायरी बेचकर मीना विना से शादी कर लेंगे। मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। हाँ, हीरालाल की आशा और पन्नालाल की लता दोनों क्लब में बेहोश हो गई हैं। बेहोश हो गई? क्यों? अरे भाई, दोनों माँ बनने वाली हैं। दोनों माँ बनने वाली हैं? मगर हमने शादी तो नहीं की। अरे तो माँ बनने के लिए शादी करनी कोई जरूरी थोड़ा है। अच्छा अच्छा, यानी शादी किए बिना ही लड़कियाँ माँ बन जाती हैं, इसलिए बन गई। अरे वो तुम दोनों ने उन दोनों की पप्पी ली थी ना जोर जोर से। एक मिनट, तूने लता को पप्पी दी थी? तूने? हाँ, मैंने भी दी थी। क्यों, पप्पी लेने से माँ बन जाती है? पप्पी देने से माँ बन जाती है क्या? तुम लोग एक काम करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ तुम दोनों। नहीं नहीं, हम यहाँ से जा नहीं सकते। कमिश्नर साहब ने कह दिया कि हम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं ले सकता। ओ, तो ठीक है, आप हमें कमिश्नर साहब का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें फोन करके बता देंगे कि उनकी दोनों बेटियाँ आपकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो आपको गोली मार देंगे। बोलते हैं गोली मार देंगे। हाँ तो ठीक है, आ जाओ, बाय। Everything's okay, daddy safe. ये क्या कर रहे? चौरसिया की अठनिया? हीरा लाल, पन्ना लाल? हाथ पर लगा रहा, हाथ पर लगा। साहब आप क्या बोल रहे हैं साहब? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलिए सही। हीरा, हीरा हाथ पर लगा है। सर, वो दोनों टेलीफोन पे बात कर रहे थे, मैंने नहीं सुना कि वो दोनों डिस्को J49 गए। हाय। तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अगर हम झूठ न बोलते तो तुम यहाँ नहीं होते। Come on, let's dance! जल्दी करो। हीरा लाल, पन्ना लाल, तुमने मुझे धोखा दिया, जल्दी चला रहा। चौरसिया के बच्चे, तेरी ये दोनों ठनिया खोटी निकली है। नहीं छोड़ूंगा इनको, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप इट। चल चल। बड़े बाबा, आप खबरदार, जो अपनी नापाक जुबान से मुझे बड़े बाबा कहा तो तुम दोनों की हरकतों ने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है। हमें नहीं आना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। We are very sorry. Oh, shut up! इन दोनों का नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। समाज और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर इन दोनों जो हरकत की है, उसके लिए इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मगर हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की बाबा। उगलोगे दोनों, सब कुछ उगलोगे, जैसे हवालात पहुंचोगे दोनों सब कुछ उगलोगे। हीरा लाल, पन्ना लाल, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। मैंने
मैंने अपनी जिम्मेदारी पर तुम दोनों को पुलिस में भर्ती किया था ये दिन देखने के लिए किम दोनों मेरे मुंह पर जूता मारो। छी छी हो गई आज मेरी, लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं। सर सर आप दुनिया वालों की बातें सुन रहे हैं, पेपर वालों की बातें सुन रहे हैं, हमारी बात तो आप सुन ही नहीं रहे। बोलते बोलते गला सूख गया है। ना आपको हम पर दया आती है ना विश्वास। कैसे करूं दया, कैसे करूं विश्वास, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर हम लोगों ने वो डायरी चोरी नहीं की है। और जो तुम्हें वीडियो टेप दिखाई वो हम लोग वो नहीं है सर। अगर वो तुम नहीं हो तो क्या तुम्हारी आत्माएं हैं? हो सकता है सर, हो सकता है। शट अप पन्ना लाल, शट अप। बाबा ये तो वही हुआ कि हम मूछ वाले ने पकड़ा दाढ़ी वाले को। वी आर नॉट गद्दार्स, वी आर वफादार बाबा। मैं सच कहता हूँ साहब, ये दोनों चवन्निया। शट अप चौरसिया, तुम्हारी ये दो चौनिया ठानिया नहीं बन सकती तो रुपया बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनो तुम दोनों, अगर तुमने नहीं बताया कि वो डायरी कहाँ है तो मुझे थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे तुम? चल चलो सिया। यस सर। पन्ना थर्ड डिग्री? कैसी थर्ड क्लास बातें कर रहे हैं ये लोग? ये बाप लोग हैं, इन्होंने इसलिए पाला है कि हम पे थर्ड डिग्री इस्तेमाल करें। बर्दाश्त नहीं होता ही रहे, बर्दाश्त नहीं होता। डैड इट्स नॉट फेयर, वी विल फाइट फॉर राइट। यस। देखो आज मैं तुम दोनों की एक भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुम जानती हो इन दोनों ने क्या किया है? क्या किया, क्या क्या किया? खाकी वर्दी में इन्होंने मुजरिमों का काम किया है। हाँ, जिस डायरी की हिफाजत के लिए मैंने इन दोनों को तैनात करके रखा था उसी को इन्होंने चुरा लिया रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे? इट्स नॉट पॉसिबल डैड। 10:30 बजे वो हमारे साथ थे। यस, दे वर डांसिंग विद अस, दे वर रोमांसिंग विद अस। अच्छा, 10:30 बजे दे वर डांसिंग विद यू, यस, रोमांसिंग विद यू। यानी कि एक ही वक्त में वो दोनों डांस और रोमांस भी कर रहे थे और चोरी भी कर रहे थे। लेकिन देखो 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 मेरी बच्चियों, मैं जानता हूँ तुम दोनों उन दोनों से प्यार करती हो इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन चल चल डैडी, ये क्या मिला चल रही मेरे घर में? ए ससुर, अब तो ये घर भी हमारा है और आपकी बेटियां भी हमारी है और आप भी हमारे हैं। घर का फ्रिज, टीवी और वीसीआर और सारा सब कुछ तुम्हारा है। क्या तुम्हारे बाप का माल है? बाप का नाम नहीं लेने का। अच्छा अच्छा, मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये बताओ कि मैंने तुमको कहा था कि 50 लाख रुपए लेकर आना, वो कहाँ है 50 लाख रुपए? ससुर, आपने मैं 50 लाख रुपए कमाने को कहा था, हमने गलती से 1 करोड़ कमा लिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक करोड़ रुपया? लेकिन है कहाँ वो 1 करोड़ रुपया? रोकड़ा नहीं है, चेक है। लेकिन किस बैंक का? मोती वाला कोऑपरेटिव बैंक में का। ये कौन सी बैंक है? ब्रांडू बैंक है। लेकिन मैंने तो ये नाम नहीं सुना कभी। अब बार बार सुनते रहोगे। लेकिन ये कहाँ खुली है बैंक? अभी तक खुली नहीं है। खुलने वाली है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो करोड़ रुपया अभी तक मिला नहीं है। मिलने वाला है। अच्छा अच्छा, और ये डायरी जो तुम यू कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? ये कैश का टोकन समझ लीजिए। अच्छा, कैश का टोकन। निकलो, चलो निकलो, निकलो निकलो बाहर। और जब तुम 50 लाख रुपए लेकर आओगे उसके बाद अपनी शक्ल दिखाना। डैडी, ये 1 करोड़ रुपए लेकर आएंगे, हमें विश्वास है। ये तुम्हारा विश्वास है, मेरा नहीं है। ये 1 रुपया नहीं कमा सकते। शट अप शट अप शट अप। तुम दोनों निकलो अब यहाँ से, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, निकल जाओ यहाँ से। और 50 लाख रुपया लेकर अपना पैर मेरे घर में रखना, समझे? डैडी शट अप। अरे इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुरु, क्या हुआ? तू तो बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती लग रहा है बाप। अरे यार जाने दे इसको यार, ये अपनी जगह ठीक है, अपन अपनी जगह ठीक है। नहीं, नहीं है। अरे यार तू भी तो जॉनी लीवर लगता है। नहीं नहीं, उसका नाम मत ले। क्यों? नहीं, उसकी शक्ल नहीं मिलती मेरे से। लेकिन तू तो बिल्कुल भी तो। अरे भाई हवा ने देना यार, काय को साला चने के झाड़ पे चढ़ा है, गिरेगा तो हड्डी पतली टूट जाएगी। अरे पतली नहीं, एक मिनट। जैसे इसके बाल तेरे बाल, जैसे इसकी आंखें तेरी आंखें, जैसे इसकी नाक तेरी नाक। अबे साले सब तो ठीक है, अरे उसके जैसा अपन का तकदीर का है यार। अरे तकदीर बन जाएगी ना, अपने पास टोकन है ना 1 करोड़ का। फिर वो टोकन आएगा, माल आएगा, तब अपन का तकदीर बदलेगा। तो फिर तू मिटुन भाई अपना है? उसने ऐसा कौन सा काम किया है? कब से साला मिटुन मिटुन किया जा रहा है? उसमें गाना गया उसने, चुरी चुरी जूली का दिल, जानी का दिल तुम पे आए जूली, तेरे लिए चले जाऊं सुली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।
अगर अपुन की जुली मतलब मंगल भाई की बेटी अपुन को नहीं मिली ना तो अपुन सचमुच सूली पर चढ़ जाएगा। अरे क्या फालतू मिथुन, टून हो गया तू, पीके टून हो गया तू। जाने लेवा नाम मत लेना उसका। जाने बोल, तू भी साला पीके टून चल।
तो कहा था तुम्हारे वो पालतू हीरालाल पन्नालाल लोहे का जिगर रखते हैं, हरफन मौला है, मास्टर ऑफ ऑल है, तो फिर कहां मेरी डायरी, कहां है मेरी डायरी? कहां है मेरी डायरी? रिलैक्स मोदी वाला, रिलैक्स। डायरी के चोरी होते ही अपन का वो दोनों छोरा लोग अरेस्ट हो गया, पर अपन उनके अरेस्ट होने के साथ साथ उनके पास कोई डायरी तो नहीं मिला ना। तो फिर कहां गई डायरी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, ये हवा पी गई, कहां डायरी वो? टायर टायर, रिलैक्स मोदी वाला, रिलैक्स। अपन उन दोनों पालतू छोकरों को जानता है, अपन का कुत्ता है, अपन ने उनको पाला पोसा बहुत बड़ा किया। जैसे वो जेल में छूटेगा ना तो वो सीधा अपन के पास आएगा, अपन उनसे पूछ लेगा कि डायरी कहाँ है, और जैसे अपन को मिल जाएगा अपन आपको दे देगा। मगर कौन? बाटली फोड़ने से कुछ होता नहीं मोती वाला सेठ, कहीं कांच का टुकड़ा आग बीक में गया तो बाबू पटेली टोपी भी आपकी इज्जत कमती करेगा। वाह शट अप बाबू, पटेली टोपी। अभी आपको तो मालूम हो ना अपन कौन सा पंची है, यानी कि जेल बर्ड। यहाँ से सीधा जेल में जाएगा और वहाँ के एक एक पंची लोग को दाना खिलाएगा और आपके हीरालाल पन्नालाल को वहाँ से लेकर फुर, यानी के कल्टी। रिलैक्स बुद्धि वाले बाबू, इज एब्सोल्युटली राइट। ब्रिगेंजा भी यही कहता है। तो फिर यहाँ क्यों मच्छर मार रहा है तू? ओके, जेल में आके मच्छर मारता हूँ ना मेरा भाई। हमने वर्दी पहनी थी गुंडे मवालियों को मारने के लिए, और यहाँ मच्छर मार रहे हैं। वो भी इतने बड़े बड़े, किंग साइज। हवलदार से पिस्तौल मंगवाऊं क्या? क्यों, मच्छर उड़ाने के लिए? हाँ। हैं? हाँ। हवलदार! आपकी भी इज्जत है। ये नया कीड़ा कौन है? ये तो कोई तड़ी पर पिस्सू लगता है। अरे अपुन ऐसा पिस्सू है जिसको लाइफ में एक बार काटा ना तो लाइफ भर खुजाते रह जावे भाई। नहीं पीछे ना। अरे अपुन बाबू फटेली टोपी छाट मोल्ला दही गली बंबई नंबर 3। अभी भी नहीं पहचाना? अरे बाबा अपने को बड़े बाबा ने भेजे लाए। बाबा ने देखा, हमने सोचा बाबा को हमारी परवाही नहीं है। देखा? अरे मैं तुम दोनों को उड़न छू करने वाला हूँ बाबा। उड़ा के लेके जाएगा? हम चिड़िया है क्या? हम कबूतर है जो उड़ा के लेके जाएगा है? अरे मैं लेके आया ला ना एक तिलिस्माती गोटी। ये रही सुलेमानी और तिलिस्माती गोली, और ये रही बत्ती। गोली तो ठीक है, पिस्तौल किधर है? अरे अभी तुम लोग दुकान इधर की उधर करो तो मैं कुछ बोलूंगा ना बाबा। ये बाबू फटेली टोपी की गोली है बाबा, इसको हटा, इसको भी हटा। अब ये देख, अब ये क्या है कि दिमाग का घोड़ा चला कि आइडिया की गोली निकली। और अभी देखिए क्या है ना कि मैं माचिस निकाल ले रहा हूँ, अभी क्या, अभी इसको मैं जलाऊंगा भी। बाबू फटेली टोपी की दिमाग की बत्ती जली, तीनों भाई पंछी बन के जेल के बाहर गलती। अभी मेरे सड़े ने दिमाग का फ्रेश आइडिया देखो। हैप्पी बर्थडे टू बाबू फटेली टोपी, मेरे साथ में गाओ ना। हैप्पी बर्थडे बाबू फटेली टोपी, हैप्पी बर्थडे। क्या नाटक चल रहा तुम लोगों का? ए बाबा कोई नाटक नहीं है, बाबू फटेली टोपी का हैप्पी बर्थडे। अभी तू एक बार ध्यान से सुन, मुंह खोल और इसको अंदर ढकेल दूसरे लोगों में। आते जाओ खाते जाओ, आते जाओ खाते जाओ, लोटा लो लाइन लगाओ। आते जाओ खाते जाओ, लोटा लो लाइन लगाओ। आते जाओ खाते जाओ, लोटा लो लाइन जा। गोली खल्लास, हवलदार लोग खत्म। हैप्पी बर्थडे टू बाबू पटेली टोपी। ये हैप्पी बर्थडे का गोली आपने सबको दिया, हम लोग को तो दिया ही नहीं है। अरे बाबा वो लोग को मैं जमाल गोटे की गोली दिया ताकि आप इधर से फुटास की गोली खावे। क्या क्या मतलब? अभी देख, जब घोड़े को दो नंबर यानी के पॉटी नहीं आती ना तो उसको जमाल गोटे की गोली देते हैं। वही गोली मैंने हवलदार लोग को दिया। अभी ऐसी डिंग डोंग चलेंगी ना कि सब हवलदार लोग बाथरूम के लाइन में और अपुन तीनों भाई फुल लोग ओरिजिनल बाबा के चक्कर में डुप्लीकेट बाबा के हत्थे चढ़ गए ना। लगता रॉन्ग नंबर लग गया। वो बाबा भी डरे मांगता है, ये बाबा भी डरे मांगता है। तीन दिन से ना खाना खाया ना पानी, लगता है खत्म होने वाली अपनी कहानी। अरे यार तुम्हारे वो दो पालतू हीरालाल पन्नालाल
जिनको हमारे फटेली टोपी ने जेल से छुड़ाकर अपने गोदाम में बंद किया, वो यार उस डायरी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। अब उनका तो दिमाग फेल हो गया मोतीवाला सेठ, अब उनको तो ये अपना हीरा लाल पन्ना लाल लगता ही नहीं। मुझे बकवास नहीं, वो डायरी चाहिए मुझे। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, टूटेगा टूटेगा, दोनों टूटेगा भी और बोलेगा भी। कांच की बंगड़ी है, मुंह देखने का आईना है, टूटेगा। अरे मुंह में नहीं, दाना पानी पेट मांगे इलायची। अरे उनके पेट में कुछ दाना पानी जाएगा तो उनके हथेलियों में से आवाज निकलेगा ना मेरे भाई। भाई वो लोग जेल में इतने भूखे थे, मेरे से मिट्टी गोली मांग रहे थे, वो भी मैंने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, अब 2 दिन और भूखे रहेंगे ना तो लाइन पे आ जाएंगे। अरे ठेंगा लाइन पे आएंगे, बाबू फटेली टोपी उनको प्यार से खाना खिलाएंगा और लाइन पे लाएगा तो वो लोग डायरी का राज अपने सामने उगलेंगे ना भाई। जब तक बाबू फटेली टोपी जिंदा है मरने की बात नहीं करना बादशाह। अबे वो फटे हुए टोपी, थके हुए झिंगूर, सूखे हुए मकोड़े, तूने हमें यहाँ कहाँ फंसाया? सड़े हुए आम की गुटली, यहाँ क्या दिखा रहा है? अबे हमको निकाल। अरे अपन खुद ये सड़ेले काम से पक गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए माल पानी खर्चा पानी का आसरा चाहिए ना बाबा। अरे मगर हमको यहाँ फंसा के कौन सा बैंक ऑफ इंडिया तेरे नाम पे होने वाला भाई साहब? अरे बैंक ऑफ इंडिया छोड़ बाबू, फटेली टोपी तो 5-50 में भी मांड वाली कर ले। तू क्या चाहता है बाप, खुल के बात करना। तो फिर बाजू हट, अपन ब्रिगेंजा का गैंग छोड़ने से पहले एक लंबा हाथ मारना मांगता है क्या? वो डायरी तुम लोग के पास है ना, वो डायरी मेरे को दे दो। मरती रात की कसम, अपनी जान की कसम, वाना जाला ना उसकी कसम खा के बोलता हूँ, वो डायरी का 1 करोड़ में सौदा वेला है। 50 पेटी बाबू फटेली टोपी की और 50 पेटी तुम लोग की, पेटी लाख को बोलते है बाबा। अरे तुम लोग ऐसी क्या देख रहे ली, समझे नहीं क्या? बाबू फटेली टोपी आज तक झूठ बोला नहीं है क्योंकि सच बोलने की नौबत ही नहीं आई। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी शर्ट फट जावे, बनियान फट जावे, पैंट फट जावे। बस बस बस, इसके नीचे नहीं जाना। अरे इसके नीचे जाएगा कौन? डायरी का सौदा 1 करोड़ में हो गया बाबा, लाइफ सेट हो जाएगी। ना बोलना नहीं, हाँ बोल। ये डायरी हम लोग आप ही को देंगे। अभी हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे कैसे? अरे मेरे भाई लोग, जब तुम लोग को मैं पुलिस के खांचे में से बाहर निकाल के ला सकता हूँ तो ब्रिगेंजा का ढांचा क्या औकात रखता है यार? आपका आज भी जन्मदिन है क्या? ए जास्ती टेल लेना नहीं यार, फॉलो मी। मेरे में तो हंसने की ताकत भी नहीं मेरे में। हीरा चल देखते क्या बोलता है सर तेरा। लग के चल, लग के चल। चल पन्ना, बैंक में फोन लगा। बैंक? अभी कौन सी बैंक, रात हो गई है, पागल हो गए क्या? अबे यार, ATM एनी टाइम मनी बैंक, बैंक ऑफ मोतीवाला। मोतीवाला। हेलो कौन? आपके बैंक का नया क्लाइंट। मेरे कौन सी बैंक? बैंक ऑफ मोतीवाला। ज्यादा भी रखे क्या तुम लोगों ने? फोन मत रखना। पी रखी है लेकिन खुशी में, 1 करोड़ की खुशी में। 1 करोड़ की? जी हाँ, जो हमें तुमसे मिलने वाला है। मुझसे किस खुशी में भाई? उस डायरी की, जिसकी वजह से तुम्हारे अपने भाई की जान गई। हो सकता है डायरी तुम्हारी भी जान ले ले, फांसी के फंदे पे चढ़ा के। कौन हो तुम लोग? हीरा लाल पन्ना लाल। अच्छा तो तुम हो, मुझसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? यस। अपने बाबा से डबल क्रॉस करोगे? बिल्कुल, उसने हमारी जिंदगी पर क्रॉस मार दिया, हमने उस पर। देख सेट, काम की बात कर। ठीक है, कीमत बोल। 1 करोड़। जगह बता। कल शाम 6 बजे मिडनाइट कैफे में। डन डन। हेलो कौन? मैं पन्ना लाल, तुम्हारे बिना हो गया बुरा हाल। पन्ना कहाँ हो तुम? हम लोग बड़े बाबा के जेल से तो भाग गए, उसके बाद एक खतरनाक बाबा के जंगल में फंस गए थे, वहाँ से भी हम लोग भाग गए। ऐसा लगता है ओलंपिक के खिलाड़ियों की तरह भागते रहेंगे। लेकिन तुम बोल कहाँ से रहे हो? मुँह से बोल रहा हूँ। मगर किस जगह से बोल रहे हो? अरे मुंह में जबान है, जबान हिला हिला के बोल रहा हूँ। ओहो, मगर तुम हो कहाँ? अरे भाई जहाँ भी हो मगर बहुत परेशानी में हूँ मैं। तुम किस टेलीफोन से बोल रहे हो? ये लाल और पीले कलर का बूथ है, उसमें से बोल रहा हूँ।
ओह, मगर वो जगह कौन सी है? आजू बाजू में बस्ती है, तरह तरह के लोग हैं, अजीब और गरीब आवाजें आ रही हैं, बाहर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, अंदर तक चली टेंशन है। ओह गॉड, गॉड यहाँ कहीं नहीं है। अगर गॉड होते तो हम जैसे भोले भाले इंसानों का ये हाल होता। ऐसा नहीं बोलते पन्ना, तुम जैसे भोले भाले इंसानों में ही तो गॉड छुपा है। कहाँ छुपा हुआ? छुपा हो तो बोलो, बाहर आओ, हमको निकालो यहाँ से। पन्ना डायरी कहाँ है? तुम्हारे बाबा भी डायरी मांगते हैं और वो दूसरे बाबा भी डायरी मांगते हैं। इस डायरी की वजह से जो हमारी हालत बिगड़ी हुई, डायरिया हो गया हम लोगों को। अब किसी तरह डायरी को ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो छोटे बाबा की बड़े बाबा की दोनों की तरफ से हम लोगों को पड़ेगी। पन्ना, हम अभी और इसी वक्त तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। हम भी तो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। ओके, हम ठीक 4 बजे कैफे मिडनाइट में तुम लोगों से मिलने आ रहे हैं। ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन बड़े बाबा को बता रहा नहीं कि हम लोग 4 बजे मिडनाइट कैफे में मिल रहे हैं। ठीक है, बाय। कैफे मिडनाइट, ठीक शाम 4 बजे हीरा लाल पन्ना लाल से मिलने जा रहे हो। हमने बाबू टोपी को ऐसा टोपी पहना के वहां से भागे। लेकिन एक सच बात बताऊं, हाँ? वो डायरी हमने चोरी नहीं की। ठीक ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम यूं जब बात करते हैं ना, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, कभी यूं करते कभी यूं। ये ठनियो, चला जल्दी रख, रुक जाओ हीरा लाल पन्ना रुक जाओ। सफेद गाड़ी के पीछे करो, चलो चलो जल्दी करो चलो। अरे हीरा लाल पन्ना लाल तुम? अरे ये तो अपना पहचान वाला निकला। जी कहीं आपको गलती से अंदर तो नहीं किया था हमने? अरे तुमने तो मेरी पूरी फैमिली को अंदर किया हुआ है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी लफड़े वाली फैमिली निकली। क्या बोल रहे? नहीं कुछ नहीं, आप गाड़ी चला रही है। पहले आप दोनों मेरी गाड़ी से उतर। नहीं नहीं सर जी, गाड़ी मत रोकना। क्यों? गाड़ी से उतरते ही पुलिस हमको पकड़ लेगी। और तेज चला। ओहो, तो अभी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। इसका मतलब है कि तुम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। सर जी हम चोर नहीं है। चोर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तुम गाड़ी से उतरो बस। देखो मेहरबानी करके आप दोनों अब मेरा पीछा छोड़ो। देखो सेठ जी, जहाँ हमें उतरना है वहाँ उतार दो हमको, हम छोड़ देंगे आपका पीछा। हम आपको पेट्रोल का पैसा भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, ड्राइवर का भत्ता भी देंगे। तुमने क्या मुझे कोई फिल्म लाइन का ड्राइवर समझ नहीं, नहीं, क्या? ऐसी बात नहीं है। और वो जो तुमने प्रॉमिस किया था कि 50 लाख रुपया कमा के देंगे, वो कहाँ है? आपको पैसा चाहिए? ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, कितना चाहिए? ये और लीजिए, ये ये ले, आप कौन चला रही है? और तेज, ओके, अरे वाह, पैसा आ गया, अरे ये बैग ले, ये बैग ले लीजिए, ओके, 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 चल बस, चल, जान पन छूटी गई ने, पैसा अपन बढ़ ही गया। तो तुम हीरा लाल पन्ना लाल के साथ मिले हुए हो? अरे कमिश्नर साहब, वो तो मेरे होने वाले दामाद है।
तुम्हारे नहीं मेरे होने वाले दामाद हैं। नहीं कमिश्नर साहब, आपकी कोई गलती हो रही है, वो मेरे होने वाले दामाद है। इतने सारे नोट? अरे ये सारे नोट तो उन्होंने मेरी बेटियों से शादी करने के लिए दिया। ये सब पुलिस स्टेशन चलकर पता चलेगा। अरेस्ट हिम। पूरे 100, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अरे कमाल है, मैंने तो हीरा लाल पन्ना लाल को मेरे दामाद बनने के लिए सिर्फ 50 लाख कमाने को बोला था। अच्छा, वो तुम्हारे दामाद नहीं है, मेरे होने वाले दामाद हैं। अरे किसके होने वाले दामाद है, मेरी बेटियों को आ जाने दो, पता लग जाएगा। दादी, चाची, चाची, दादी, दादी। लो, आ गई मेरी लड़कियाँ। दादी, चाची, दादी, आपने हमें क्यों बुलाया? आपने हमें क्यों बुलाया? अरे शू थू, शांति रखो, शांति रखो। पेला, ये तस्वीर देखो और कमिश्नर साहब को बताओ कि ये आपके है कौन? हीरालाल, पन्नालाल, कमिश्नर साहब, इनकी तस्वीर यहाँ, क्या किया है इन्होंने? तुम इन्हें जानती हो? जानते हैं, इनको अपना मानते हैं और इनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। कब से जानती हो? जन जन्मांतर से, कई युगों से। ओ गॉड, मेरी ये दोनों अठन्निया इतनी खोटी निकली। कब से कह रहा हूँ, हीरा पन्ना, हीरा पन्ना, माय डार्लिंग। मेरे हीरा को किस करने वाली तुम कौन होती हो? और मेरे पन्ना को डार्लिंग कहने वाली तुम कौन होती हो? देखा मंगल भाई, अब बात समझ में आई? आई आई, बात समझ में आई। आ तो बहु मोटा लोचा छे, बहु मोटा लपड़ा छे। पन्ना लाल मेरा लवर है, पन्ना लाल मेरा लवर है, और हीरा लाल इसका साथी। हीरा मेरा जिगर है, हीरा मेरा रोमियो है। आई आई किल यू, मैं तेरा हूं। आई अरे छोड़ो, शुगर शुगर कमिश्नर साहब, अब जाना गड़बड़ की तो सबको अंदर कर दूंगा। इस उलझन को सुलझाने का एक ही तरीका है, हीरा लाल पन्ना लाल को बुलाना पड़ेगा। आपको उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है डैडी, हम इनसे खुद निपट लेंगे। चल यू बिटिया। डैडी, अगर उन दोनों ने हमें चीट किया तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा डैड। चल। अरे 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 नखो जाए, अब यहाँ काई नहीं बाकी, अब घरे चलो काकी। अरे काकी नहीं, बैरी बैरी। हाँ, बैरी बैरी बैरी। हालो हालो हालो, चलो 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 भाई। मेरी ये दोनों अठन्निया भाई चुप है, रुपया नहीं बन सकती। हेलो पन्ना, हीरा, तुमने हमें डबल क्रॉस किया है, यू आर अ ब्लडी चीट। तो मंगल भाई की बेटी से प्यार करते हो ना, हमें सब पता चल गया है। हमारे डैडी ने हमें बताया कि तुम कमिश्नर की बेटियों से प्यार करते हो। आज के बाद हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? बहुत हो गया प्यार का नाटक, बहुत हो गया इश्क मोहब्बत, धोखेबाज। यू 420 मक्कार, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी जिंदगी में रहें और तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ न थामे, तो तुम्हें मंगल भाई से जाकर ये कहना पड़ेगा कि तुम उनकी बेटियों से प्यार नहीं करते हो, तुम उनकी बेटियों से नफरत करते हो। तो तुम्हें कमिश्नर साहब से ये बोलना होगा कि तुम उनकी बेटियों से प्यार नहीं करते, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम किसी और से शादी कर लेंगे। क्या कहा? यही कि हम तेरी बेटियों से प्यार नहीं करते और ना ही तेरी बेटियों से शादी करेंगे। क्या बोला, एक बार फिर से बोलना जरा। अबे टकले, बहरा हो गया क्या? हीरा लाल, पन्ना लाल, क्या? Behave yourself। ए इंग्लिश छोड़ हिंदी में। और सुन सुन, हिंदी विंदी तो छोड़, तू अगर चीनी जापानी में भी बोलेगा ना, हम तेरे हाथ नहीं आएंगे। तुम दोनों के हाथों में हथकड़ियां डलवा दूंगा। अबे चल चल चल, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। आप हमें जेल भिजवाइए या सूली पे चढ़ा दीजिए, फिर भी हम तुम्हारी बेटियों के साथ शादी की हथकड़ियां नहीं पहनेंगे। चुप, तुम दोनों मेरे सर पे चढ़ रहे हो। अरे इस सर पे कौन चढ़ेगा यार? अरे चढ़ेंगे तो फिसलेंगे बाप, फिसलेंगे तो गिरेंगे, और गिरे तो हड्डी पसली टूटेगी। मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम हमारी हड्डी पसली एक कर दो या हम दोनों का केक कर दो, हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कमिश्नर साहब की बेटियों से प्यार करते हैं। क्या? और प्रूफ के लिए शादी का कार्ड भी भेजेंगे, जिसके एक तरफ लिखा होगा डॉटर ऑफ मंगल भाई मीना और बीना, और दूसरी तरफ लिखा होगा हीरे लाल पन्ना लाल। ओह शट अप एंड गेट लॉस्ट। थैंक यू यार। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम लटकने वाले और हम लटकाने वाले। क्या भक्त हो तुम? हाँ, लटक ही जाओगे, 1 करोड़ रुपए बचाओगे तो बगैर डायरी के मर जाओगे बापू। अच्छा, तो तुम डायरी वाले हीरालाल पन्नालाल हो? क्यों, ख्यालों में यमराज का फोटो आ गया था क्या? तुम दोनों को तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कर सकते लल्लू। जैसे एक राक्षस की जान तोते में बंद थी, उसी तरह तुम्हारी जान भी उस डायरी में बंद है। लेकिन तुम कमाल के राक्षस हो यार, 1 करोड़ रुपए देके वो जान बचाने वाली डायरी लेने नहीं आए तुम? हाँ, क्यों? शट अप, मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं
और तुमने उसके बदले मुझे 320 रुपए का किसी फालतू होटल का बिल दे दिया। हे, पहली बात तो ये है कि मालतू फालतू बड़े होटल में खाना नहीं खाते। तुमने किसी आड़ी तेड़ी गर्लफ्रेंड का बिल चुकाया होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 1 करोड़ रुपए देना है देने तो कान खुजा, बत्ती बुझा, सो जा, मैं फोन रख रहा हूँ, चल। वो डायरी मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ आना है मुझे। वेरी गुड, शाम को 7:30 बजे J49 डिस्कोटेक में आ जाना। ओके डन। साला, 2 करोड़ में भी उस डायरी का सौदा मुझे महंगा नहीं है। हेलो 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 हीरा, हेलो हीरा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो हेलो हीरा, हीरा, अबे सर फिरा कौन है, हीरा नहीं है, रॉन्ग नंबर है। लगता उसका पर्स गिर गया, देखो। यह पर्स नहीं है, डायरी है। बराबर है, लगता कोई हिसाब किताब कुछ खर्चे पाने के लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता ये आदमी संगीतकार है। हाँ? क्या है? हाँ? आजकल एक फिल्म लाइन में ना, हाँ? एक संगीतकार आया है, हाँ? जो दूसरों के गाने चोरी करता है। अच्छा? इसलिए सब कोर्ट में लिखा है, ताकि दूसरा संगीतकार इसको चोरी नहीं कर सके। राइट। लगता उसकी जरूरत की चीज है, उसको दे के आऊं वापिस। ठीक है, तू दे, मैं चाय का ऑर्डर देता हूँ। भाग कर जाना, दौड़ कर आना। जा। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है अपने पैसे वसूलने हमें ढूंढ रहा है। दड़ियल भाई, मेरा मतलब लाल बादशाह जी, आप हमारे पीछे पुलिस के कुत्ते की तरह क्यों पड़े हैं? जहां जहां हम जाते हैं आप हमारी बदबू सूंघ सूंघ कर हमारे पीछे पीछे चले आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, चुपचाप बताओ तुम्हारा पार्टनर हीरालाल कहां है। हीरालाल, वो तो बाहर चाय पी रहे, आइए आपको कटिंग पिला रहे, फसला आइए। बकवास बंद करो और काम की बात पर आ जाओ। किस काम की बात कर रहे हैं आप? देखिए, उस दिन भी आप जबरदस्ती पैसे लेकर आए, आपको पता है हम। हाँ, तो आप मान गए कि हमने तुमको पैसे दिए थे, पहले तो ये बात भी मानने को तैयार नहीं थे। चुपचाप बताओ डायरी कहाँ है। अब मैं समझ गया, आप कन्नू मल्लिक के आदमी है। हीरालाल बता रहा था कि उस डायरी में कुछ कोड भाषा में लिखा हुआ है। हाँ, उसमें कोड लैंग्वेज में लिखा है, वो डायरी बताओ कहाँ है। कोड भाषा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर गाना कैसे बनाएंगे बताइए। Don't change my name. My name is Panna Lal. बेवकूफ नहीं। ठीक है पन्ना लाल है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर ये गोली चल गई तो स्वर्गीय पन्ना लाल हो जाएगा, मंजूर है? नहीं। निकाल मेरे भाई की डायरी। देखो क्या जमाना आ गया, भाई भाई का नहीं रहा। डायरी ये असली है ना? हाँ असली है, गोली खा के देखोगे? नहीं, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है। खाना, चुपचाप डायरी दे दो, वरना नहीं, मरना नहीं, जीना या मरना या, इसके सिवा जाना का, ले लो डायरी बाबा। ये लो। हाँ? हे
got my diary. Hey man, tu mara notation diary chura mangta? What notation? This is my notation diary. Can't you see? See this. All new notations. Are you blind? He looks bloody robber. He's a cheat. Yeah, he looks like one. Yeah, come on, baby. Yeah, come on. Kill you. Hey, stop this. Stop this nonsense. Stop this. Let me go. Stop this. Don't let me go now. Let me go. I say. ये दरियल अजीब आदमी जब भी मिलते पैसे देके जाता है हमको। लगता है पागल है। लेकिन पैसों का हम करेंगे क्या? धर्म करेंगे, किसी मंदिर में दान कर देंगे। पहचाना? हीरा, हमने कभी इसको अंदर तो नहीं किया था? मालूम नहीं यार, लेकिन ऐसे घंटे तो हमने बहुत अंदर किए होंगे। खर्चा पानी तो क्या? हमको क्यों मार रहा है? क्यों भूल गया गार्डन में मारा था बेड़ो? बता कौन सा गार्डन? बोटानिकल गार्डन में। वो हमारे एरिया में आता ही नहीं है। ये कभी वहाँ जाता भी नहीं बाबा। अरे इसे ने मारा था। इसने मारा तो इसको मारने मेरे को क्यों मार रहे? अरे गपचाता अभी गपचाता है तेरे को, समझा क्या? ये पटर लोग छुड़ा दो उनको। अरे कुछ गलती तो माफ करो बाबूजी, ऐसा मत करिए। देखिए अरे बहुत मार रहे यार भैया, ये कोई तरीका नहीं है। देखो क्षमा चाहता हूँ, कुछ गलती हो तो माफ कर दो बाबा। ये कोई तरीका है भाई साहब, कोई तरीका है? अरे इधर भाग जा, भाग जा, इधर भाग जा। अरे गलती बोल रहा है बहुत कहने के लायक, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे मेरे हीरालाल पन्नालाल को मार रहे हैं। चाल थकेले फुट, कपड़े बदल कर इतनी जल्दी आ गए? अबे आवारा सांड की बिगड़ी हुई औलाद, अपने से कमजोर पे हाथ उठा दे बुढ़ी माँ पे। अबे उस दिन तेरे को गार्डन में मारा था, भूल गया क्या? अभी अभी तुम दोनों का धुलाई क्या भूल गया? धतूरे के सड़े हुए फूल, हम लोग तो अभी आ रहे हैं। अच्छा हमारे आने से पहले तुमने किसको धोया? तुम लोगों को और किसका? पियला है क्या? पियला नहीं, क्या होश में हूँ। हीरे एक काम कर, कसम है तेरे को इसको ऐसा तोड़ डाल कि दोबारा इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सके। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मार इसको। तुझे शायद मेरे रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम, और आज मैं अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तेरी होलसेल में धुलाई करूंगा। मार साले को, बकरा बना दिया। आइए भाई, चलिए आपको घर तक छोड़ देते हैं। चलिए आइए हमारे घर, चलिए। अरे मेरे बाप, अब क्या है? हम आपसे माफी मांगने के लिए आए और तो हमें मारेंगे नहीं ना। पहले मारते हो फिर हाथ जोड़ते हो। हम वो करोड़ रुपए के लिए, ये बैग में करोड़ रुपए है ना, ले लो मेरे बाप, ले लो। जाने से पहले इतना तो समझा दो मेरे बाप, क्या? पहले मार खाते हो, फिर मारते हो, फिर हाथ जोड़ते हो, ये क्या सिस्टम है मेरे बाप? ये क्या लगता है सटिया क्या? बाबूजी हम आ रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। नहीं ठीक है बाप। ये भाई साहब, ये आपने क्या किया? बंदूक के हाथ में वो रखो जो आग उगलती है। ऐसे खोखले बाजों को रखकर क्या फायदा, जो हमारी डायरी तो लेने जाते हैं लेकिन धोखे से खाली हाथ वापिस आ जाते हैं। लाख, दो लाख, नहीं पूरे 2 करोड़ जलाकर वापिस आ गए आराम जादे। लेकिन भाई साहब, गलती एक बार माफ की जाती है, बार बार नहीं। नो नो नो, डायरी लाने तो मैं खुद गया था। अच्छा तो आप हैं जो डायरी लाने गए थे? भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, गोली मत चलाना। हवाले की उस डायरी के लिए हम एक भाई खो चुके हैं। हम उस डायरी के लिए किसी को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उस डायरी के अंदर हमारे अलावा
और भी कई जाने मौत के मुंह में फंसी हुई है, सजाओं की सूली पे लटकी हुई है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, गोली मत चलाना। अरे गोली चली तो बैठ जाने का, गोली पीछे वाले को लगती। पीछे तो मैं भाई, तुम बैठना नहीं है तो मैं उड़ जाऊंगा। शट अप। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। भाई साहब हमारे धंधे के अंदर खून के रिश्ते की कीमत पानी से भी कम होती है, लेकिन मैं एक भाई खो चुका हूं, मैं दूसरा भाई खोना नहीं चाहता। अब ये काम मैं करूंगा। कहां रहता है वो? बस्ती में, बेवड़े ब्रिगेंजा के घर पे। तू 1 करोड़ मिल जाए तो हो जाएंगे लेके। अरे बेटा पन्ना, आ बेटे खाना खा ले। अरे माँ जी हीरा को आने दे माँ। हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, वैसे भी होटल का खाना खा खा के हम तो पक गए। अब तो रोज तेरे हाथ का ही खाना मिलेगा, हम लोग का तो नसीब ही खुल गया। अरे बेटा मैं जिंदगी भर मंदिर के सामने लोगों का दिया हुआ खाना खाती रही, मेरा नसीब बदल गया है बेटा, जो तुम लोग मुझे वहां से यहाँ ले आए। लगता है मुझे मेरे बेटे मिल गए हैं, और ये घर भी मिल गया है बेटा। अरे माँ जी करोड़ रुपए जो हमें मिलने वाले, अगर वो मिल गए ना तो सारी दुनिया को इन कदमों में रखेंगे। पुलिस के साथ कोई लोचौटा किया गया? पुलिस के लिए नहीं, पब्लिक के लिए। पॉकेट मारा इसने? ओ नहीं यार, कारगिल रिलीफ फंड वाले प्रोग्राम रखे हैं, उतने फिल्म शायद जॉनी लिवर को बुलाया। कहाँ यार, मेरे को ऑटोग्राफ लेना है, किधर है? ओ यार यही तो प्रॉब्लम है, उसकी शिमला की राइड मौसम कारण कैंसल हो गई है। तुम्हारी शक्ल जॉनी लिवर से मिलती है, उसके बदले तुम हमारा शो कर दो ना। अरे मरवाएगा कौन है ये? वाकई यार तेरी शक्ल पूरी जॉनी लिवर जैसे लगती है। और लगने में होने में फर्क होता है पापा जी, अंदर एक्टिंग दे चने भी तो होने चाहिए ना। अरे कोरोना भी चलेगा। अबे वटाने चुप कर। ओ यार मैं जॉनी लिवर का पीए हूँ, तुमको ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देश के लिए, जवानों के लिए, कारगिल के फंड के लिए, ये लो 10,000 रुपए। देश की बात करता और पैसे देता, चला पैसा भी लेता है और थप्पड़ भी मारता है। हाँ मारता है और पैसा भी लेता है और फिर देता है। हीरा लाल पन्ना लाल और हमारी माँ की तरफ से ये कारगिल जवानों के लिए। थैंक यू। ठीक है पापा जी? हाँ जी। ऐसे जाऊंगा तो पब्लिक मुझे कुत्ते की तरह मारेगी। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, सब कुछ है, सूट भी है, बूट भी है, गॉगल भी है, सब कुछ है। हाँ, चले। हाँ। सुनो ए, तू रोना बंद किया तो प्रोग्राम नहीं करूंगा। वॉल्यूम बड़ा और बड़ा। सुनो जॉनी लिवर, आज तेरी इज्जत मेरे हाथ में और मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ में। चलो चल। चलो चलो चलो। यार जॉनी भाई आए नहीं। कारगिल रिलीफ फंड के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बुलाकर मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों कारगिल में आज हमारे सिपाही जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं वो आप जानते हैं। इसी कारगिल से संबंधित एक कार्यक्रम मैं सबसे पहले पेश कर रहा हूं। आज हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार्स उन सिपाहियों को देखने के लिए चले गए, उनका हौसला बढ़ाने। उनमें से कुछ फिल्म स्टार्स जोश में आकर कारगिल में घुस गए लड़ने के लिए कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। तो सबसे पहले नाना पाटेकर साहब चले गए लड़ने के लिए, वो पहाड़ियों में घुस गए घुसपैठियों को मारने के लिए। बहुत देर बाद एक घुसपैठे को पकड़ लिए और बोले, ए शर्मियादी, अरे कैसे पड़ोसी हो, अरे कैसे पड़ोसी हो, अरे लाना दे, अरे दोस्ती का नाम लेते हो पीछे छुरा भोगते हो, अरे क्यों घुसते हो, अरे हमारी लाइन ये है तुम्हारी लाइन वो है, यहाँ क्यों घुसते हो, हमारे सर पे तुम्हारा काम क्या है, अरे हमने तुम्हें सर पे चढ़ा, तुम हमारे सर पे नाचते हो, अरे शर्माना चाहिए, अरे पड़ोसी कैसे रहते, अरे क्या फर्क है तुम्हें हमें, क्या फर्क है, ये देख इतना हाथ देख, ये देख ये देख खून लाल है पीला है, बोल क्या बोल, इसमें लिखा हुआ है तुझमें नफरत, बोल ये खून है क्या है। अरे बाबा ये खून लाल ही है, मगर मैं यहाँ का सिपाही हूँ, घुसपैठी नहीं हूँ, वो लोग 2 किलोमीटर दूरी पे, चलो चलते हैं। अब आते हैं हमारे शाहरुख खान साहब। माँ कितनी गलत बात है, ये घुसपैठिया क्यों घुसते हैं, क्यों दुश्मनी करते हैं, किसी और की जगह पे घुसना अच्छी बात नहीं है, मैं भी घुसूंगा कारगिल में, नहीं छोड़ूंगा, मैं भी घुसूंगा, प्लीज मुझे मत रोकिए।
कैप्टन ने कहा साहब जी आपके पीछे करोड़ों रुपए लग गए हैं, आपका कारगिल बच जाइए, कार में बैठिए, घर जाइए प्लीज। देवानंद साहब, देवानंद साहब आ गए। कहाँ है रफू? मैं घुस जाऊंगा और इन घुसपैठियों को निकाल फेंकूंगा। कहाँ है इस बार राइफल? प्लीज गिव मी राइफल। राइफल लेके घुस गए। कहाँ है? सबको मार मोर के वापस आ गए। वो वापस आकर बोले, सिपाहियों दूसरा राइफल कहाँ है? अरे साहब जी आप कहाँ गए थे? मैं गया, सबको मौत घाट उतार के आ गया, दूसरा राइफल। अरे साहब जी आपने गोलियां चला दी? गोलियां चला दी, सबको मौत घाट उतार के आया मैंने। आपने गोलियां चलाई, उन्होंने नहीं चलाई? उन्होंने भी चलाई, लेकिन देवानंद टेक्निक, दुश्मन के सामने कभी सीधा मत खड़ा रहो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, दुश्मन भटक जाएगा, भाग जाएगा। देश में दूसरा राइफल। अब साहब हमारे इंडिया के मशहूर बॉलर्स प्रसाद और श्रीनाथ, वो दोनों पहुंच गए। उन्होंने कहा हम क्रिकेट के मैदान में कुछ कर नहीं पाए, अब इस मैदान में कुछ तो करेंगे। वो घुस गए अंदर जी। मेजर साहब ने सिपाहियों को कहा कि भाई इनका ध्यान रखो। वो अंदर चले गए, कुछ देर बाद स्ट्रेचर पे आ गए, लहू लुहान होकर, लाल लाल होकर आ गए। मेजर साहब ने कहा सिपाहियों तुमसे कहा था इनका ध्यान रखो, क्या किया? अरे साहब जी ये लोग तो अंदर घुस गए, पहले तो उन्होंने गोलियां चला दी, फिर सामने घुसपैठियों वाले को टोली थी, उनको देख के उन्होंने कहा कि हम बम फोड़ेंगे, तो मैंने उनको ग्रेनेड बम दे दिया। इन दोनों ने मुझसे पूछा कैसे फोड़ना, मैंने कहा दांत से निकालो और ऐसे फेंक दो। फिर क्या हुआ साहब जी, उन्होंने दांत से निकाला, फिर सीधे सीधे फेंकना चाहिए था ना, पाँव पे घिसने की क्या जरूरत थी, थूक लगा के घिस रहे थे, वापस आ गए। तो मेरे दोस्तों भाई और बहनों, ये क्रिकेट के खिलाड़ी और हमारे कलाकार, ये क्रिकेट के मैदान में और फिल्मी मैदान में अच्छे लगते हैं, उस मैदान में नहीं, उस रणभूमि में हमारे जवानों से बढ़कर कोई नहीं, वो हमारे असली हीरो हैं। पति का कातिल मोती वाला, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा करने वाला। मोती वाला, तुम्हारे पति ने कहा था ना कि अगर वो 9 बजे तक लौट कर नहीं आया तो हमारे खिलाफ जितने भी सबूत है वो पुलिस के हवाले कर देना। कहा है वो सबूत? मेरी सहेली के बच्चों का कातिल। ए, चुपचाप निकालो सबूत। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं मोती वाला, नहीं छोड़ूंगी। मिनिस्टर की बेवा? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मोती वाला ने मेरे पति को मार डाला, मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चों को लिया। मोती वाला, इसी वजह से मेरे बच्चे खाने में डूब गए। मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। मैं तुमसे जिंदा नहीं। चल, बहन जी, आपके बच्चे मरे नहीं, जिंदा हैं। एक बढ़िया, चुप। वो मेरा हीरा बनना है। अच्छा। वो भी दो दो, दो हीरा दो पन्ना। मोती वाला अपने आप को कानून के हवाले कर दे। बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? पन्ना लाल, मेरे बच्चे, मोती वाला तुम्हारे जुड़वा भाई पन्ना को और हीरा की माँ को उठाकर ले गया है। मेरा जुड़वा भाई और हीरा की माँ? हीरा का भी एक भाई है। तुम सब चार हो, तुम्हारे खानदान को अलग करने वाला और तुम्हारे बाप को मारने वाला मोती वाला है। जाकर हीरा को खबर कर दो, उस सर फेरे को कहना मेरी दो अठन्निया अब चार हो गई हैं
और बहुत जल्द रुपया बन जाएगी। बाबा हीरा लाल, तेरी माँ और पन्ना मेरे कब्जे में है और मेरी डायरी और 2 करोड़ तेरे कब्जे में है। मेरा पैसा और मेरी डायरी मेरे हवाले कर दे और अपनी जिंदगी की सांसें ले जा। मैं टेकरी वाले मंदिर के बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब पन्ना का काम तमाम। सारे
मौत का बदला जरूर लेना भैया। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे।
मां शेरावाली के आशीर्वाद से जख्मी हीरालाल बच गया और अपनी जंगनी मां के आशीर्वाद से दोनों हीरालाल पन्नालाल अपनी अपनी पत्नियों समेत सुख से रहने लगे। हीरालाल ये है पन्ना मेरा नाम है, हीरालाल मैं हूँ पन्ना मेरा नाम है, और अपना ये तकिया कलाम है। कदू कदिया दूँ, 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 कदू कदिया दूँ।